गॉड गाइस लुक एट दैट। ओ भाई क्या चल रहा है यहाँ, मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है। ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आर्क सर्वाइवल। तो गाइज लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने टीम किया था स्फिनिक्स को, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और भाई यहाँ पे देखो ये सिलिका पल्स भी जो है ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। एंड गाइज फाइनली वो टाइम आ चुका है जहाँ पर अभी हम लोग जाने वाले हैं और वेवन के अंडे चुराने वाले हैं और वेवन को टीम करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस एपिसोड के अंदर, तो फटाफट से इसको जो है लाइक कर देना। एंड गाइज सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ थोड़े बहुत टेलीपोर्टर्स में बनाने वाले हूँ, क्योंकि यार अपने को जो है ना, मैंने चाहता कि बार बार अपन मरे। और यू गाइज नो, और मैंने ना वो एक और मोड जो था वो टॉम्बस्टोन वाला वो हटा दिया है, क्योंकि यू गाइज नो मैं कितने बार मर चुका हूँ भाई लास्ट एपिसोड में, ठीक है। तो और साथ साथ मैं आज केव भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ, जो हमारी लास्ट केव है, गेट कीपर केव बोलते हैं उसको। और यहाँ पे चलते फटाफट से टेलीपोर्टर बना लेता हूँ मैं ज़रा। आई होप सो 5 टेलीपोर्टर बन जाए, ठीक है। लेट्स गो, हमारे टेलीपोर्टर्स यहाँ पे तैयार होने वाले हैं गाइज फटाफट से। और भाई गेट कीपर वाली केव में तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक केव होने वाली है, वो तो अब जाके पता लगेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपने को जो है थोड़े बहुत लेट्स सी, एक बार ना पहले मैं जाकर देखना चाहता हूँ, वहाँ पर टेलीपोर्टर लगाना चाहता हूँ जहाँ पर हमारे वेवन्स रहते हैं, क्योंकि पहले तो पूरा एरिया छानबीन करना पड़ेगा ना, कहाँ कहाँ अंडे मिलेंगे, क्योंकि तुम लोगों को पता है भाई वहाँ पर ना इतने सारे वेवन्स हैं, मतलब मैं अगर अंदर चला गया ना तो सारे के सारे मेरे पर अटैक करने लग जाएंगे बहुत बुरी तरह से, ठीक है। और फायर वेवन जो है हमारे फिनिक्स को हील करता है जितना मुझे पता लगा है, तो आई डोंट नो अगर वो मेरे को अटैक करेगा तो थोड़ा सीन बैठेगा कि नहीं। बाकी अपन फटाफट से पहुँचते हैं, काम करता हूँ क्यों ना मैं, ये देखो गाइज आप सभी को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो इसकी वाली जो एबिलिटी है ना भाई, बहुत तेज़ उड़ता है इससे, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। लुक एट दिस भाई, कितना ज़्यादा तेज़ उड़ रहा है ये, एकदम सीधा सीधा चलता है भाई ये, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। चलो एक काम करता हूँ मैं ना, फटाफट से टेलीपोर्ट हो जाता हूँ हमारी क्रैक केव के पास में, क्योंकि वो जो वेवन्स रहते हैं वो उसी के आसपास रहते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं भूल चुका था कि भाई हम लोगों ने क्रैक की जो केव थी ना उसके पास में टेलीपोर्टर लगाया नहीं था। सो या मेरे को ब्लू वाले टर्मिनल के पास से टेलीपोर्ट होकर आना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। अभी जो हमारे वेवन्स जो अपने को मिलने वाले हैं थोड़े बहुत यहीं कहीं पे मिलने वाले हैं, आई जस्ट होप सो कि भाई आज ना टीमिंग अपन कर ले, ठीक है। और मैं हमारे डाइनो को जो है हीलिंग कर देता हूँ यहाँ पर, बहुत बढ़िया। और एक बार इसको मार के देखूँ, यहाँ पर मारना मारना जला के देखूँ क्या गाइस, क्या कहते हो? ये देखो भाई बहुत ही गंदा पेलेगा भाई ये देखो एरोस फेंक रहा सारे तुम्हारे ऐसी तैसी भाई। लेकिन एक सेकेंड, ये आई थिंक फायर को रजिस्ट करते हैं शायद से, जैसे थैरी करता है ना उसी तरह से, क्योंकि ये डैमेज बहुत ज़्यादा बुरी तरह से देने लगा है मेरा फिनिक्स अभी। लेकिन आई डोंट नो उसको डैमेज नहीं दिया इसने भाई, इस पर ट्राई करके देखते हैं अगर कैसा अटैक करेगा ये। आज साल है भाई, नहीं ये बहुत ही ख़राब अटैक, आई मीन बहुत ज़्यादा ख़राब इसके अटैक पावर है। थोड़ा बहुत मिल डैमेज लगा दो और फ्लाइंग स्पीड पर भी थोड़ा काम करना है, क्योंकि गाइज अपने को जो है वेवन से बच के भी तो जाना पड़ेगा ना इसलिए, ठीक है। तो अभी तो एक बार ना काम करते हो, उसकी एबिलिटीज़ यूज़ करते हैं अपन, ठीक है, जो तेज़ उड़ने वाली होती है। ये देखो गाइज पहले आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। और गाइज अभी अपन लोग जो फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अब मैं काम करता हूँ, रुक जाओ। सबसे पहला अपना जो काम होने वाला है ये है कि अपने को टेलीपोर्टर लगाना है, क्योंकि हम लोग मरना नहीं चाहते, ठीक है। और मरेंगे ना तो फिर सीन हो जाएगा अपना, क्योंकि अपने को बार बार इतनी दूर आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सो मैं यहाँ पर टेलीपोर्टर लगा दूंगा ताकि अपने कोई दिक्कत ना हो भाई। यहाँ थोड़ा गलत सीन है लेकिन, ये मैं बोल सकता हूँ। अरे रुक जा एक जगह, रुक जा भाई, इतने सारे भवन घूम रहे हैं यहाँ, साले डर लग रहा है मेरे को तो भाई यहाँ पर, कसम से मजाक सट गया भाई। इस टेलीपोर्टर को फटाफट से यहाँ प्लेस कर देता हूँ मैं, उसको फटाफट से रीनेम कर देता हूँ वेवन, ठीक है, क्योंकि अपने को पता रहेगा कि हाँ भाई यहाँ पर वेवन्स हैं। और फिनिक्स, अबे भाई फिनिक्स पागल है क्या, साला पिटवाएगा मेरे को, कुछ नहीं है भाई ये तो अच्छा टेलीपोर्टर की वजह से मैं ना इसको बुला पा रहा हूँ, नहीं तो मेरा सीन पिटवा जाता भाई अभी तक तो ये। ओके तो मेरे को जो है यहाँ पर जाना है अंदर भाई, गलत सीन लग रहा है गाइस। अरे भाई साहब, अरे भाई यहाँ से मंडा कैसे चुराऊंगा भाई, क्या मजाक है ये, यहाँ से मेरे को अंडे चुराने हैं भाई, सारे के सारे वेवन्स मेरे पीछे पड़ जाएंगे। 950 लेवल का भाई, एक सेकंड, नॉट टेमेबल क्यों दिखा, अच्छा हाँ या ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, पर थोड़ा सीन है गाइस यहाँ पर अपना, थोड़ा एक बार अंदर जाकर देख के आता हूँ। आई जस्ट होप सो कि कोई अटैक, अरे यार मांटिस परेशान मत कर अभी, रुक जा थोड़ा बिजी हूँ मैं, काम कर रहा हूँ यहाँ पे, रुक जाओ भाई यार एक सेकंड, मैं तो कहते लावा के अंदर आ चुका हूँ। आई थिंक मैं फिनिक्स की वजह से ना थोड़ा बहुत बच पा रहा हूँ यहाँ पर गाइज, अगर ये लोग मेरे पे लाल हो गए ना तो भाई बहुत कयामत से आ जाएगी यहाँ पर, मजाक से हट के भाई बहुत गंदा मारेंगे मेरे को। और यार फिनिक्स का थोड़ा सीन है पता है घूमने में, ये जैसे वेवन हरकतें फैलता है वैसे इसका भी सीन है थोड़ा सा, ये मर कैसे, ओ मर रहा है भाई ये लावा में मरते भी भाई। ओके थोड़ा तो सीन है, ये कौन है, अल्फा फायर वेवन, हेलो भाई अंडे कहाँ हैं तुम्हारे, एक सेकंड गाइस इनके अंडे कहाँ हैं, थोड़ा सीन है भाई लोग मुझे लग रहा है, अगर मेरे को यहाँ पे इनके अंडे नहीं मिले ना भाई बहुत ज़्यादा गलत सीन हो जाएगा। आई डोंट नो कहाँ पर होंगे,
यार इनके ना नेस्ट वेस्ट बने तो रहते हैं यहाँ पर, एक बार इनके पास जाकर देखो क्या मेरे को अटैक करेंगे ये लोग। मैं फिनिक्स हूँ ना, क्या पता फिनिक्स को अटैक ना करते हो भाई, क्या पता, एक बार जाकर देखता हूँ पास में। अरे भाई साहब कुछ ज़्यादा ही सीन है यहाँ का, तो मैं निकल रहा हूँ भाई। ना 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 ना, यहाँ का थोड़ा सीन है भाई। अरे पीछे पड़ गई है तो, अरे भाई। ओ एक चीज़ अच्छी है, एक चीज़ बढ़िया है कि ये जो वेवन है ना, ये अल्फा वाला आई मीन फायर वाला, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि अपना जो है हील होता है फायर वाले वेवन से, ठीक है। तो अपने को इतना डरने की बात नहीं है, पर ये पॉइजन वाले से डरने का थोड़ा सीन है गाइस। कि मैं इसकी आँख साड़े तेरी, अरे ये ले खा एक और खा भाई। 1000 का डैमेज दे रहा है वो मेरे को, सीरियसली ब्रो। हैं इसकी आँख तुम्हारी साल, ये लो। हाँ नहीं तो भाई बहुत गंदा मार रहे, लेकिन ये एक सेकंड गाइस मैं जल रहा हूँ क्या? नहीं, अच्छा वो लोग जल रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई इसको मार देता हूँ पॉइजन वाले को, ये थोड़ा सीन करेगा, नहीं तो 700 लेवल का है भाई ये। अबे यार ये बहुत थोड़ा गलत सीन करेगा भाई, बहुत बुरी तरह से। फायर वाले से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो डैमेज नहीं देता मेरे को, हील कर रहा है बल्कि वो मेरी हेल्प कर रहा है एक्चुअली। इससे डर है ना वो ये है भाई, यहाँ तो कतई गलत ही लड़ाई भिड़ रही है मेरी यहाँ पर। तो भाई साले इधर आइयो तेरी भैंस की भाई। ओहो गाइज ये क्या है, फायर वेवन, ठीक है। एक काम करूँ कि फायर वालों को बुला लेता हूँ क्योंकि फायर वाले अटैक नहीं करते थे ना मेरे पे। साले इधर आ जा, देख डैडी आ गए इधर। भाई वो भी पीछे पड़ गया। ओ भाई चलो ठीक है, ये देख रहे हो ये कुछ नहीं कर पा रहा मेरा फायर वे वाला। तो देखो ये मेरे पे आग छोड़ भी रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा उससे भाई, घंटे का कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। साले तुम्हारी ऐसी की तैसी है, मेरे को मारोगे सारे ये ले भाई। लेकिन इतने हाई लेवल के हैं ना ये, थोड़ा सीन है भाई यहाँ पर। यार मैं टीम कैसे करूँगा, मैं सोच रहा हूँ भाई हैं टीम कैसे करूँगा भाई मैं, क्योंकि अगर ये लोग मेरे पर अटैक करेंगे तो मेरा तो सीन बैठ जाएगा भाई। ये तो गंदा मार रहा है, जाओ उसकी भैंस की आँख साले, रुक तू। आ जाओ आ जाओ अब अरे भाई अच्छा जलाता भी है ये, देखो गाइस आई थिंक शायद ये जो चला रहा है ना जिस तरह से जलाता भी है पीछे जा। ओ ठीक है भाई तुम्हारी भैंस की, ये लो साल ये भी लो। हेलो 1 2 3 4 क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ गाइस, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसा भी है क्या, ये नहीं पता था मेरे को, सॉरी सॉरी सॉरी। बट या एक चीज़ का थोड़ा सॉल्यूशन आ चुका है मेरे पे। मैं जो है इन्वेंटरी यहाँ से ले सकता हूँ, सो या इतना दिक्कत वाली बात नहीं अभी, ठीक है। लेकिन दिक्कत वाली बात तो है यार, क्योंकि मैं उसको टीम कैसे करूँगा। उनकी हेल्थ इतनी ज़्यादा है ना भाई कि मैं आई डोंट थिंक सो मैं उसको मार भी पाऊँगा यार। एक सेकंड रुको, मेरे को ना एडवांस वाली जो राइफल होती है ना वो बना दो गाइस, उससे शायद एक सेकंड एडवांस वाली लूँ या फिर वेट अ सेकंड शायद से मैं रॉकेट लॉन्चर भी लेकर जा सकता हूँ। रॉकेट लॉन्चर, अरे मेरा रॉकेट लॉन्चर तो गायब ही हो गया भाई, रुको। रॉकेट लॉन्चर बना लेते हैं एक, और इसको मैं करने वाला हूँ अपग्रेड, ठीक है। क्रेजी चीज़ बनाने वाला है गाइस अभी अपन। ये रॉकेट का है क्या पावरफुल यूज विद लॉकन, एक सेकेंड ये तो कुछ और है भाई, प्रोपेलेंट वाला कुछ और होता है, ठीक है। तो एक तो ये बना लेता हूँ और एडवांस राइफल में साथ में बना लेता हूँ। ये तो एडवांस की एमओ है, एक सेकंड ये वाली शायद से काम आएगी अपने, राइफल काम आएगी ये, हाँ फैब्रिकेटेड नहीं, एक सेकंड आई थिंक शायद से फैब्रिकेटेड स्नाइपर राइफल काम आएगी अपने, ठीक है। ओके तो गाइज मैंने यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर बना लिया और हमारी जो स्नाइपर राइफल है वो भी बना लिया। एडवांस की एमओ जो है मैंने 88 बना ली, थोड़ी बहुत और चाहिए रहेगी मेरे को। एक काम करता हूँ, ट्राई करते हैं 100 और बन जाए तो शायद से काम हो जाना चाहिए अपना। लेकिन इनको अपग्रेड भी अपने को करना पड़ेगा और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि आई डोंट थिंक सो मेरे पास सारा सामान होगा कि नहीं होगा। रॉकेट लॉन्चर का अपने को इसमें तो फ्लेम थ्रोअर का एमओ बनता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे को रॉकेट लॉन्चर का एमओ भी बनाना पड़ेगा, ये रहा। और काम करता हूँ 50 बना लेता हूँ, आई डोंट नो 50 इनफ होगा। अरे भाई 50 बनेगा ही नहीं एक्चुअली, मेरे पे इतना सामान है ही नहीं। ओ माई गॉड, ओके ठीक है। तो जितना बन रहा है उतना बना लेते हैं अभी फटाफट से। और यहाँ पर ना इनको जो है हमने अपग्रेड भी करना पड़ेगा। यहाँ रखता हूँ जो भी चीज़ें चाहिए भाई। पॉलीमर चाहिए, पॉलीमर कहाँ से, ओके ठीक है। पॉलीमर भी मेरे को बनाना पड़ेगा यार, क्योंकि सारा अरे एक सेकंड यार, सारा पॉलीमर तो इसी के अंदर ख़त्म हो गया मेरा। लेट्स सी कितने बनाने अपने को, 93 चाहिए ना, 100 बना के देखता हूँ, बन तो जाने चाहिए। ओके दैट इज़ गुड। इस अभी अपने सारे सामान जो यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, फटाफट से मैं अपनी जो स्नाइपर राइफल है इसको कर लेता हूँ रिलोड, क्योंकि भाई ये सबसे ज़्यादा यूज़ हमारे आने वाली है डाइनोज की हेल्थ कम करवाने में, ठीक है। अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितना डैमेज देगा, पर लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा खासा कर दे, ठीक है। बाकी मेरे पे हार्पून लॉन्चर है, थोड़ी बहुत मेरे को नेट प्रोजेक्टाइल की एमओ बनानी पड़ेगी,
क्योंकि वो काम आएगा अपना उनका जो मिल्क होता है वो निकालने के लिए, ठीक है। तो 25 बना लेता हूँ, आई थिंक शायद से इनफ होगा इतना मेरे लिए। एक सेकंड, 25 ठीक है, बन तो जाएगा, सब कुछ रखा हुआ है मेरे पास। और क्या चाहिए मेरे को, रुको देखने दो। गन हो गई है, नेट प्रोजेक्टाइल हो चुका है, हीलिंग पेस्ट मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि अपने को भाई मरना नहीं है वहाँ जाके, ठीक है। ओके, हीलिंग पेस्ट अपना बन जाएगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए अपने को, क्रॉसबो हो गई, वो हो गई अपने को टॉर्पर हिट करने के लिए, मारने के लिए हमारे पास रॉकेट लॉन्चर हो चुका है। तो काम करता हूँ इसको यहाँ रख। एक सेकंड गाइस, थोड़ा सीन ये है कि मैं अपना फिनिक्स को बुलाना भूल गया भाई। एक सेकंड गाइस, इसकी हेल्थ देखने दो भाई। ओके, मरा नहीं है भाई, मैंने अभी जस्ट, मेरे को याद आया कि हमारा जो फिनिक्स है वो भी तो था भाई। सॉरी गाइस, माय बैड। एंड अपना जो रॉकेट लॉन्चर, इसको भी फटाफट से रिलोड कर लेते हैं। और अभी ना पेलम पाली करने वाले अपन बहुत बुरी तरह से, ठीक है भाई। वेवर्न को मारना पड़ेगा। वैसे सिंपल तरीका मैं बताऊँ क्या कर सकता हूँ, मैं वहाँ जाकर ना सॉल्ट टर्मिनल लगा सकता हूँ, और आई कैन, मैं लिटरली एक बना लेता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा पंगा होगा ना भाई, ज़्यादा गुस्सा उस्सा चढ़ गया तो मैं यही करूँगा, ठीक है। क्योंकि भाई इसको टेम करना थोड़ा टफ होने वाला है, आई एम श्योर अबाउट इट। ओके, तो आई थिंक अभी शायद से अपन पूरा एकदम तैयार हो चुके हैं। लेट्स सी, एरोज़ वगैरह हो चुकी है, सब कुछ अपने पास हो चुका है। ओके, वैसे मेरे को टरेट वगैरह भी बना लेना चाहिए था, पर आई थिंक दैट इज़ ओके, अपने को इतना कुछ ज़रूरत पड़ेगी नहीं इतनी, ठीक है। अभी वेवन के पास चलते हैं फटाफट से गाइस। एंड आर यू गाइस रेडी, क्योंकि अपन करने वाले हैं टीम वेवन को, जो कि बहुत टफ होने वाला है, ठीक है। वेट, सबसे पहले मेरे को जो है स्पाई ग्लास ऑन करना है, और एक वेवन को मेरे को मार के देखना है पहले तो, ठीक है। या फिर डैमेज कितना देता है भाई ये फायर वेवन को, पंगा किससे लूँ, लेकिन भाई ये बहुत गंदा डैमेज मारते, क्योंकि यार ये लाइटनिंग वाले से तो बिल्कुल पंगा नहीं लेना साला, बहुत कुत्ता बना बना के मारेगा भाई ये। अरे एक से पंगा लेना, सारे के सारे आएंगे भाई, दिक्कत ये भी तो है यार मेरे को। यार ये अंडे कहाँ दे रहे हैं, लेकिन मेरे को वो नहीं समझ आ रहा है भाई, लिटरली ब्रो ये अंडे कहाँ दे रहे हैं भाई, मेरे को एक बार पता लग जाए ना कि कहीं पे अंडा कहाँ रखा हुआ है। रुक जाओ, मैं पंगा लेके जाता हूँ भाई, बहुत हो गया, देखी जाएगी भाई। एक तो मेरे को नेस्ट दिख चुका है यहाँ पर, जिसके अंदर अंडा रखा हुआ है, जो कि कितने लेवल का है, एक सेकंड भाई साहब, ओ माई गॉड भाई, भसड़ हो गई भाई, भसड़ हो चुकी कसम से भाई, ओ माई गॉड गाइस लुक एट द भाई, क्या हो रहा है ये, हेलो क्या झाक चुके भाई। हीलिंग पेस्ट लिटरली मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है अभी। अरे मैं इसके ऊपर बैठ के तो फायर भी नहीं कर सकता, लेकिन भाई सबके सब मारने लगे पड़े भाई, हेलो ये कितने लेवल का ये, इसका लेवल पता नहीं चल रहा है, इनकी भसड़ आ रही है पूरी की पूरी भाई, गंदा मार रहे हैं भाई, गंदा मार रहे लिटरली भाई, गंदा मार रहे हैं। जल्दी जल्दी चल, जल्दी जल्दी चल, जल्दी जल्दी चल भाई, देखी जाएगी जो भी होगा इसकी वह इसकी आँख। अच्छा ठीक है, पीछे वालों को डैमेज देता है इस तरह से भाई, ये वाली एबिलिटी तो। अरे भाई अबे पूरी भसड़ आ गई इनकी मेरे पीछे, हेलो ओ माई गॉड गाइस लुक एट द गेम भाई, गेम में लैग मारने लग गया, हेलो क्या हो, अरे भाई साहब सीरियसली ब्रो लुक एट द वे भाई, क्या हार ली इनकी, सारे के सारे पीछे पड़ गए लिटरली ब्रो, ओ माई गॉड गाइस लुक एट दैट, ओ भाई क्या चल रहा है यहाँ, मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है। वो तो मैं सिर्फ फिनिक्स की वजह से बच रहा हूँ, क्योंकि ना फायर वाले इस पर इतना अटैक नहीं कर पा रहे, वो हील कर दे रहे हैं इसको इसलिए। अरे भाई अटक गया, अरे भाई साहब सीन बैठ गया, इनकी वह इसकी आँख भाई, उड़ना पड़ेगा मेरे को जल्दी जल्दी गाइस, रुको भाई कति गलत ही सीन चल रहा है भाई। अरे भाई योर फिनिक्स किल्ड लाइटनिंग वेपन, हेलो हैं कैसे, ओ भाई अच्छा ये वाली एबिलिटी भाई इनको मार भी सकती है भाई, ठीक है आओ आओ पीछे पीछे आओ, सबको मारूंगा, आ जाओ बराबर मारूंगा सबको, आ जाओ भाई, सबको मार रहा है फिनिक्स मेरा, लेट्स गो भाई, कुछ तो काम आ रहा है अपने फिनिक्स, ठीक है। लिटरली ब्लू भाई सबको मार रहा है भाई, भाई लिटरली सबको डैमेज दिया जा रहा है, ये घुमा फिर आगे मार रहा है, आ जाओ सबको भाई, सबको आग लगा दी, लेट्स गो भाई। 75 लेवल के सारे मर चुके हैं, ठीक है, जो हायर लेवल के ना वो बचे हैं सिर्फ, सबको पहलूंगा भाई, एक एक करके आओ सारे के सारे, सब मरोगे सालो, तुम्हारी हैंस यहाँ का है, मेरे से पंगा ले रहे थे ना तुम लोग, आओ फिनिक्स से मरवाऊंगा भाई, देखो क्या गलत ही सीन चल रहा है लिटरली भाई, मजाक सट के लुक ओ भाई क्या चल रहा है भाई यहाँ पे ब्रो, सीरियसली मैन भाई मरे जा रहे हैं एक एक करके, देखो नीचे गाइज लुक एट नीचे भाई, नीचे देखो इनकी लाशें पड़ी हुई भाई, नीचे देखो एक एक करके मरे जा रहे हैं भाई, 100 लेवल का भी गया, आओ सालो तुम्हारी हैंस की आँख है, मेरे से पंगा ले रहे थे सालो, आ जाओ डरता थोड़ी हूँ तुमसे हैं, ये देखो भाई कैसे मैंने नीचे कितने सारे मार दिए भाई, लेट्स गो भाई, मज़ा तो आ रहा है गाइस कुछ भी बोलो। हाँ
ये पता है कुछ अलग ही तरह से डैमेज दे रहा है भाई, ये देख रहे हो कुछ अलग ही तरह से डैमेज दिया जा रहा है भाई ये तो अपनी एबिलिटीज पे। भाई मजाक से उठके कुछ गलत ही तरह से मार। अरे एक सेकंड, सॉरी गाइस, वो गलती से ना कुछ हो गया, पता नहीं क्या हुआ पर सालों ने मेरे को मार दिया है स्किन की भाई। एक चीज़ बढ़िया हो गई बस, सही है यार इन्वेंटरी वाला, नहीं तो मैं तो पागल हो जाता भाई वहाँ बार बार जा जाके, ठीक है लिटरली ब्रो। लेकिन स्टिल भाई मैं बहुत बार ऑलरेडी मर चुका हूँ, दो बार तो पिटी चुका हूँ मैं भाई। फिनिक्स को फटाफट से बुला लेता हूँ ताकि इसका सीन ना बैठ जाए भाई। और अभी गाइस आई थिंक शायद से ना वो सारे सारे वेपन्स जो है ना उधर की साइड चलेगा राइट, तो मुझे लग रहा है कि अपना रास्ता जो है ना क्लियर हो चुका है अभी, ठीक है क्योंकि मैं सबको डिस्ट्रैक्ट करके कहीं और लेके चला गया हूँ। लेट्स सी कि यहाँ पर जो है अपने को थोड़ा खाली देखने को मिल रहा है, ज़्यादा खाली नहीं है पर थोड़ा बहुत खाली है, ठीक है तो जितना खाली है अपन ट्राई करेंगे। अभी कम वेपन्स हैं यहाँ पर तो अंडा टपाने की कोशिश करेंगे भाई, ज़रा रुको। अरे तुम्हारी भैंस की आँख भाई, हेलो ऐसे टपा लिया भाई, हो गया। इसका मेरे को लेवल देखना है, कितने लेवल को 175 का है क्या अंडा भाई, पता नहीं लग पा रहा मेरे को इसके बाद एक लेवल पता लग जाए ना फिर बताऊँगा सालों को। रुक जाओ साला, आइयो आइयो आ जा बताऊँ तुम लोगों को मैं फालतू में। एक सेकंड भाई, अरे कहाँ टकरा है, पागल हो रहे हैं क्या, अबे फिर मर गया भाई। 825 लेवल वाले ने मेरे को पहला 825 लेवल वाले ने, रुक जाओ मैं फटाफट भाई, मेरे को ना अपने फिनिक्स को बचा के रखना है, ठीक है आई डोंट वांट कि वो मर जाए भाई फालतू का, वो मर गया ना सीन बैठ जाएगा भाई। इतने सारे वेपन्स पर अटैक कर रहे हैं, बचा के बताओ भाई, हद नहीं होती है भाई, फटाफट से बुला दो। अच्छा शायद मैं इसलिए मर गया क्योंकि ना मैंने इस बार आर्मर नहीं पहना था अपना, या मैंने अपना आर्मर नहीं पहना था ना, इसलिए जो है अपन हिल गए बहुत ज़्यादा जल्दी। ओके अभी वी आर रेडी गाइस, जाओ जरा थोड़ा आगे तक जान दो। ओके अभी चलते हैं फटाफट से, रुक जा एक जगह, ओ भैंस की तेरी, रुक जा साले। अबे यार एक जगह रुकता नहीं है ना, इसकी दिक्कत भी तो ये है, रुक जा भाई, डट जा एक जगह पे, लेट्स गो। अभी वापस चलते हैं गाइस, आई जस्ट होप सो ना कि भाई अपन वो अंडा चुरा ले भाई जैसे तैसे करके। भाई एक अंडा लाने में इतने प्रॉब्लम हो रही है भाई कसम से, अपने को तो तीन अंडे चाहिए थे भाई अलग अलग वालों के, वो भी भाई पता नहीं कैसे लाऊंगा भाई मैं। रुको इसका लेवल देखने दो बस मेरे को, 750 लेवल का है भाई ये पॉइजन वेव है ना 750 का। ओके रुको 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 भाई से रुको, अबे उतर जा, रुक जा साले, यहीं रुक जा, ओही रुक जा घोंसले में आ चुके हैं गाइस अपन अभी साले, एक जगह रुक जा, एक सेकंड रुक जाओ गाइस, पहले इसको ना थोड़ा आराम से खड़ा करना दो नहीं तो ये पिटवाएगा भाई, कुछ भी बोलो ये पक्का पिटवाएगा मेरे को। साले एक जगह खड़े हो जाना, ये उठा लिया मैंने तेरी भैंस की, ओए चल ले साले, मरवाएगा भाई मरवाएगा कसम से मरवाएगा तेरी भैंस की आंख, साढ़े निकल जल्दी निकल, आ गया आ गया, ओ भाई कसम से भाई, चल 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 भाई, पॉइजन वेपन मिल गया अपने को ठीक है 750 लेवल का भाई, क्रेजी है भाई एकदम 750 का मिला है, लेकिन मेरे को ना और चाहिए गाइस। अरे तुम्हारी भैंस की क्या सालो, आ जाओ रुक जाओ इनको ना अपनी एबिलिटीज से मारूंगा मैं, आते रहो सालो, तुम्हारी भैंस की आँख, आओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको मारूंगा आराम से फेलूंगा सबकी एक एक करके। ओ भाई हेल्थ बढ़ा दो, रुको रुको गाइस जरा ये सारा कुछ बढ़ा दो मेरे को, थोड़ा काम आएगा अपने, आ जाओ कोई दिक्कत वाली बात ना है भाई, हील करने दो, आ जाओ भाई आराम से, अभी तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, आराम से मार लेंगे इन लोगों को क्योंकि ये पीछे पीछे पड़ रहे हैं ना तो उस वजह से। लेकिन मेरे को भाई एक सेकंड रुको गाइस, मेरे को फायर वेपन का अंडा भी चाहिए और लाइटनिंग वाले का भी अंडा चाहिए भाई, वो कहाँ मिलेगा वो देखने दो, यहाँ पर तो घोंसला नहीं है इनका, एक घोंसला था वो तो मैंने टपा लिया भाई, रुको गाइस। एक तो यार इसमें पता दिक्कत क्या हो रही है, एक सेकंड ये क्या है, डेथ वॉम यहाँ क्या कर रहा है भाई, पगला गया क्या डेथ वॉम भाई, हरकतें फैल रहा है यार यहाँ पे, और घोंसले कहाँ हैं इनके भाई, एक ही घोंसला दिखा है मेरे को बस, ये क्या इनका बच्चा बच्चा है क्या ये, अच्छा वल्चर है ये साला, अबे यार क्या दिक्कत है इनकी, रुक जाओ गाइस मेरे को देखने दो, वो शायद नहीं, अच्छा ठीक है वो वाला अंडा मैंने टपा लिया था ठीक है। सो मेरे को जो है आई थिंक शायद उस साइड जाना पड़ेगा अभी, लेट्स गो फिर चलते हैं, मेरे को ना सारे के सारे इनके जो भजड़ है ना उनको कहीं और लेके जाना पड़ेगा ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है भाई, इनको जब दूर लेके जाऊंगा तभी कुछ कर सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ तो कुछ ज़्यादा भसड़ भरी हुई है, कुछ ज़्यादा ही भरी पड़ी थी, सालों ने एक बार में टपका दिया मेरे को, इसकी भैंस की आँख भाई, रुको गाइस रुको वी गॉट दिस। अभी एक अंडा अपने पास आया ना, अभी बाकी दो अंडे भी आएंगे, लेकिन भाई कसम से बहुत मज़ा आ रहा है गाइस मेरे को भाई, वो वेपन बार बार मारते रहे लेकिन यार दिक्कत ही हो रही है। रुक जाओ आ जाओ बेटे फिनिक्स वापस आ, रुक जाओ मेरे पास, हाँ एक सेकंड रुको, एक अंडा तो आ चुका है फर्टिलाइज वेवर ने, एक काम करता हूँ इसको ना सॉल्ट टर्मिनल के अंदर डाल देता हूँ ताकि जो इसका टाइम होता है ना वो जल्दी जल्दी निकल जाए, तो अपन आराम से गाइस नो इसको टेम करवाएंगे फिर। चलो अभी ना मैं इसको वापस लेके जाता हूँ गाइस,
मुझे लग मैं ना पता है फिनिक्स को इससे जानबूझ के लेके जा रहा हूँ फिनिक्स को, क्योंकि यार देखो अगर मैं अर्जेंट टेविस को लेके गया ना तो मर जाएगा, कसम से बता रहा हूँ लिटरली वो मर जाएगा, ठीक है? तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता भाई उसको मार के। सो या इसलिए मैं इस फिनिक्स को सिर्फ लेके जा रहा हूँ अभी, क्योंकि हमारा अर्जेंट टेविस हमारा काम का है बहुत ज़्यादा, ठीक है? रुक जाओ ज़रा। ओके एक और बस मेरे को ना बढ़िया सा वो मिल जाए, फायर का या लाइटनिंग का एक मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा भाई कसम से। सारे के सारे उस साइड में, ओके ठीक है सारे के सारे ना मैं उस साइड में छोड़ कर आ चुका हूँ। एक घूम रहा है यहाँ पर अभी भी, लेकिन यहाँ पर ना कोई नेस्ट नहीं है इनका, ठीक है? लेट्स सी गाइस, यहाँ पर अगर अपने को एक और बढ़िया सा नेस्ट मिल गया ना भाई मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर एक नेस्ट है लेकिन ना खाली पड़ा हुआ, आई थिंक ये या इट्स एम्प्टी। और लेट्स सी, यहाँ पर एक अंडा दिख रहा है मेरे को, पॉइजन वेपन है लेकिन पॉइजन का नहीं चाहिए हमारे पास, पॉइजन का 750 का आ चुका है ऑलरेडी। वी नीड अ लाइटनिंग और अ फायर वेपन, ठीक है? आराम आराम से चलेंगे। एक सेकंड, यहाँ ऊपर भी एक घोंसला है उसको भी देख लेते हैं। साइज इसी वाले में से मैंने टपाया था अभी थोड़ी देर पहले, या इसी के अंदर से निकाला था वो, ठीक है? भाई यहाँ पर कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, डेथ वॉम जो है यहाँ पर कर क्या रहा है ये डेथ वॉम ही है ना एक्चुअली। वेट अ सेकंड, ये है क्या एक्चुअली भाई, ये है क्या? ये डेथ वॉम ही है साइज से लेकिन मरा पड़ा है गैस, आई डोंट नो। ओके एक वहाँ पर दिख रहा है मेरे को, रुको गाइस ज़रा चेक करके आता हूँ, खाली पड़ा है कि क्या सीन है इसका भाई। अरे यार ये वाला भी खाली पड़ा हुआ है, मेरे को पूरी जगह छानबीन करनी पड़ेगी लग रहा है यार। इधर तो खतरा शुरू हो चुका है लेकिन। ओके मेरे को सिर्फ एक ही पॉइजन मिला है भाई, गलत बात है लेकिन यार। ओके यहाँ पर देख लेता हूँ, ये भी खाली पड़ा हुआ है और इनके बीचों बीच से तो नहीं जा रहा मैं, क्योंकि मेरा सीन बिठा देंगे अभी। यू गाइस ऑलरेडी नो अभी हमारे साथ क्या हो चुका है इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता भाई बिल्कुल भी। अरे यार पीछे पड़ गया मेरे, अबे यार इसी वाले की तो दिक्कत है ना, ये पॉइजन वाला भाई बहुत परेशानी कर रहा है भाई बहुत ज़्यादा ही। क्या है साले मरने की फिराद में हो रहा है, मरना है क्या तेरे को, मरना है साले? आइयो कितने लेवल का है? अरे इसकी इसको रुक दो, इसको पहले पहलने दो भाई मेरे को, ये दिमाग ख़राब कर रहा है मेरा, क्योंकि इस साले को मारूंगा ना तभी चैन मिलेगा इसको। तो भाई सारे के सारे क्यों आ रहे हैं, हेलो भाई इनकी पूरी आर्मी आ रही है, क्या यार क्या सीन है भाई इनका। अबे यार इनकी फिर से पूरी आर्मी आ गई भाई, यहाँ देखो मैंने पूरी आर्मी की तो वॉट लगा दी गाइस, नीचे देखो कितने सारे वेपन पड़े हुए भाई, सारे के सारे मरे हुए भाई, लिटरली सारे के सारे मरे पड़े हैं। इनको मार के देखो क्या कुछ मिलेगा मेरे को इनसे, लेट्स सी। सल्फर भाई, रो प्राइम मीट भाई, कितना कुछ मिल रहा है सल्फर की तो बारिश हो चुकी है, लेट्स गो। आ जाओ सालो तुम, नहीं तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हें मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। लाइटनिंग वाले से थोड़ा बच के रहना है मेरे को, क्योंकि लाइटनिंग वाला थोड़ा सीन क्रिएट कर रहा है मेरे लिए हर बार, ये लाइटनिंग वाला मार देता है साला मेरे को, घूमते फिरते रहना पड़ेगा ये लाइटनिंग वाला, ये हरकतें पेल रहा, कुछ नहीं है भाई और किसी से डर नहीं है मेरे को लाइटनिंग वाले से बस। इसकी वह इसकी आँख साले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डरता नहीं मैं तुम लोगों से हैं भाई। देख रहे तीन तीन लाइटनिंग वाले बैठे हुए हैं उसमें भाई, हेलो यार इनकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा है, मैं इसको कैसे। अरे ये नीचे देखियो, अरे भाई साहब एक सेकंड गाइस, यहाँ की अरे भाई यहाँ की भसड़ तो कुछ हो रही है लिटरली भाई, मजाक से हटके यहाँ की भसड़ कुछ हो रही है। अबे यार क्या करूँ मैं, यहाँ से देखो दिख नहीं रहे लेकिन नीचे जाके ना हमारी बुरी हालत होने वाली है कसम से बता रहा हूँ भाई, लिटरली भाई बहुत सीन बैठने वाले हैं अपने अभी तुम्हारी भैंस के। चलो क्या ही कर लोगे तुम लोग हैं, इनको ना डिस्ट्रैक्ट करके मेरे को कहीं और लेके जाना पड़ेगा, रुक जाओ इन सबको बुला दो मेरे को, आ जाओ सालो तुम्हारी भैंस के यहाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, सबको एनिमी बना लिया मैंने अपना लिटरली भाई, मजाक चट के सारे आ रहे हैं इधर ही। एक सेकंड ये वापस क्यों जा रहे हैं, ओ भाई लोग क्या हो गया, डर गया क्या, डर गए क्या फिनिक्स से, डर गए तुम लोग सालो, आ जाओ डरता थोड़ी तुम लोगों से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। अभी सीन नहीं है, पहले इन्वेंटरी का थोड़ा पंगा था बस, अभी अभी आने दो भैंस की देखी जाएगी, पहले पूरी आर्मी को कहीं लेके जाऊंगा दूर, फिर मर जाऊंगा फिर वापस रिस्पॉन होकर आऊँगा ठीक है गाइस लेट्स गो भाई, आन दो सालों को, बहुत दिमाग ख़राब करते हैं ना साले, आ जाओ तुम्हारी भैंस की आँख। लाइटनिंग वाले से नहीं, लाइटनिंग वाले से इतनी करवाना बस, लाइटनिंग वाला थोड़ा सीन क्रिएट करता है और कुछ नहीं है भाई इसके अंदर। ओके मर रहे हैं सालो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबको पे लूँगा भाई, दिमाग ख़राब कर रहे थे ना बहुत ज़्यादा, आओ सालो ये लो आओ तुम लोग भाई, इनको अटैक करने में मज़ा भी आ रहा है लेकिन। ओ भाई सारे पिल रहे हैं 828 लेवल के, एक सेकंड अच्छा मेरा 828 लेवल है वो, अच्छा ठीक है 100 लेवल के पिट रहा है मेरे से। ओके 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 भाई पूरी लाइनें बिछा दूंगा इन सालों को मार मार के, यहाँ पे बता रहा हूँ भाई मैं रेल बिछा दूंगा इनकी पूरी की पूरी, देख रहे हो पूरा कितने सारे वेपन मार दिए मैंने यहाँ पे भाई, सिर्फ फिनिक्स से, वो भी भाई अगर फिनिक्स टेम नहीं करता तो सोच रहा हूँ क्या होता हमारा 375 वाला भी ठिल गया बहुत बढ़िया, 125 का भी गया, आ जाओ सालों आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इनको दूर लेके जा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है क्योंकि अपने को थोड़ी ना दिक्कत तो नहीं चाहिए भाई इसलिए, रुक जाओ जरा देखने दो, हाँ ठीक है आने दो आने दो आने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको जितना दूर ले जाऊँगा उतना ज़्यादा बेटर है मेरे लिए।
भाई सबको मार दिया तो सीन नहीं हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि इनको ना मेरे को वो करके इनका मेल भी निकालना है भाई अनकॉन्शियस करके इनको। कोई बात नहीं, इसको ना दूर ही ले जाता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है किसी एक को पकड़ के ले जाऊँगा फिर यहाँ से। यार ये तो दिक्कत है, लेकिन कहाँ लेके जाऊँ साले, वहीं पे वापस आ जाएंगे ये तो। भाई गलत ही सीन है, सिर्फ ये फायर वाले अटैक कर पा रहे, लाइटनिंग वाले तो छू भी नहीं पा रहे भाई मेरे को। आ तो साल तुम्हारी भैंस की आँख है भाई, कितने सारे पॉइंट। अच्छा वो मेरे पॉइंट्स हैं। ओए ओए नहीं नहीं नहीं, मरेगा 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 मरेगा, रुक जा रुक जा रुक जा भाई, अभी तो मैं पिटता कसम से भाई, बहुत बुरी तरह से मरता अभी मैं। आने दो आने दो आने दो आने दो, डैमेज बढ़ा दो मेरे को मेरा अपना। अरे यार किसका पॉइंट लग रहा है, रुको मेरे को फिनिक्स के पॉइंट लगाने ज़रा, और थोड़ा सा टाइम मिले मेरे को। यार ये बहुत गंदा मार रहे, क्योंकि मिल डैमेज भर ले, ये ले भाई लगा ले, गोली ओले गोली ओले गोली ओले बादमान गोली ओले भाई सब, अभी मैं लिटरली बचाऊं भाई। आने दो आने दो आने दो, अब दिक्कत नहीं है भाई, आने दो आने दो। यार इनको इतना डैमेज कम क्यों पड़ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरे को जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी तेज़ी मार रहे हैं भाई एकदम। ये दूर, इनको जितना दूर रखूँगा वो बेटर रहेगा मेरे लिए। अरे भाई यार एक सेकंड, हेलो सीरियसली ब्रो, थोड़ा सीन हो चुका है, थोड़ा सीन हो चुका है लिटरली भाई, बहुत गंदी वाला सीन हो चुका। ओह माय गॉड गाइस लुक एट दैट, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब क्या झाक झुक हो रहा है भाई, ये देखो गाइस क्या झाक झुक हो रहा है इधर भाई, मजाक से हट के क्या चल रहा है इधर भाई। अब कितने वेवेंस है भाई यहाँ पर भाई, इनको टेम करना है मेरे को भाई, इनको मारते रह जाऊंगा आज, मेरे को ऐसा लग रहा है गाइस। आई रियली वॉन्ट टू टेम ऑल ऑफ द, आई मीन अंडे चुराने, लेकिन भाई कैसे करूँ मैं। रुक जाओ एक काम करता हूँ, एक तरीका है मेरे पास इनको थोड़ा बेवकूफ़ बनाने का, ठीक है आई हैव एन आइडिया गाइस। रुकूँ रुक जाओ रुक जाओ, हालत तुम्हारी भैंस क्या। अबे कहाँ फेंकता है ये आके गोला साला, एक तो पता नहीं देख के नहीं फेंकता, फेंक इन पे, बहुत बढ़िया। चल 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 चलो, रुक जाओ एक चीज़ मैं करने वाला हूँ गाइस फटाफट से, ठीक है इनको चकमा दूंगा मैं, बहुत खतरनाक वाला चकमा दूंगा, सारे के सारे यहीं पे घूमते फिरते रहेंगे, बस मेरे बेस पे ना पहुंच जाए, मेरे डायनोज मर जाएंगे नहीं तो। बाकी और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, एक सेकंड रुक जा रुक जा, थोड़ा सा आगे चल ले हल्का सा, बस इनको चकमा दूंगा मैं, आराम से रुक यहाँ पे, आराम से रुक जा, सुन मेरी बात सुन, जल्दी से सुन, आराम से एकदम जल्दी से टेलीपोर्ट होना है, ठीक है बादमान इससे बाहर नहीं निकलना भाई, पागल है क्या थोड़ा सा, क्या हो गया वापस, अबे पीछे आ गए क्या ये, अरे भाई अबे भाई अटक गया अटक गया अटक गया, नहीं 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 प्लीज 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 प्लीज, थोड़ा गलत सीन हो गया गाइस, थोड़ा गलत सीन हो गया, ये नहीं सोचा था अभी अकेला आ रहा भाई, पीछे पड़ा हुआ फालतू मेरे सारे तरी भैंस क्यों भाई, 925 लेवल का गाइस सीरियसली ब्रो। एक सेकंड इसको अनकॉन्शियस, यार इसका टॉर्पोर का कैसे पता लगेगा कि अनकॉन्शियस करूँ इसको मैं, है क्योंकि इसका टॉर्पोर का अगर पता रहता तो मैं इसको अनकॉन्शियस कर देता, लेकिन आई डोंट नो हाउ आई सपोज टू डू दैट भाई, मारना ही पड़ेगा लग रहा है मेरे को। यार एक जगह रुक जाए ना ये तो मैं भाई टेलीपोर्ट होकर जाऊँ वहाँ पर, एक सेकंड बस इतना सा टाइम चाहिए कि मैं टेलीपोर्ट हो सकूँ बस एक जगह रुक के, ठीक है रुक जाओ अभी ना, आराम से फटाफट से करना जो भी करना है, ठीक है रुक जा भाई यहीं रुक जा रुक जा रुक जा बादमान रुक जा रुक जा, 3 2 1 गो लेट्स गो गाइस भाई, फाइनली फाइनली वहाँ से मैं निकल कर आ चुका हूँ, अभी लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि यहाँ पर अपने को जो है ना अंडे देखने को मिल जाए भाई, ठीक है सारे के सारे वेवेंस को मैं यहाँ से लेकर चला गया हूँ, ठीक है आई डोंट नो वहाँ पर अभी कितने सारे बच्चे होंगे, पर बचे हैं भाई बहुत सारे बच्चे हैं अभी भी, मेरे को बस देखते रहना है कि यहाँ कहाँ पर अपने को अंडे मिल सकते हैं, क्योंकि मेरे को चाहिए भाई। अरे यार यहाँ पर एक और बैठा हुआ है, इनकी दिक्कत ही ख़त्म नहीं हो रही है भाई, तो साले मार देते हैं आके भाई, ये पॉइजन वाले का थोड़ा सीन है बस, बाकी मेरे को फायर वाला तो डरने की बात नहीं है, लाइटनिंग वाला थोड़ा सीन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये पॉइजन, अरे यार पॉइजन और लाइटनिंग की कहीं तो प्रॉब्लम है। ये देखो गाइस कितने सारे मैंने यहाँ पे पेल दिए भाई, बहुत सारे। ओके लेट्स सी यहाँ पर कितने सारे बचे हुए हैं, अभी भी है डायनोस तो है, अभी भी डायनोस तो बचे हुए गाइस यहाँ पर भी, लेकिन अरे यहाँ पे अभी भी भसड़ बची हुई है भाई पूरी। एक सेकंड मेरे को एक अंडा दिख रहा है कितने लेवल का है, फायर वेवन है 100, अबे यार 100 लेवल का नहीं चाहिए यार, बढ़िया लेवल का चाहिए था। अबे इसकी भैंस की आँख भाई, थोड़ा गलत सीन है। रुक जाओ गाइस एक काम करता हूँ मैं ना, आने दो सालो आ जाओ सबके सब आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ भाई, डरता थोड़ी तुम लोगों से मैं, आ जाओ 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 मेरे पीछे पीछे आ जाओ गाइस, तुम लोग को मैं ना। अरे भाई हेलो यहाँ क्या हो रहा है, हेलो भाई भाई साहब गाइज, अभी मैं इतनी ज़्यादा बड़ी गैंग को जो है ना पीछे छोड़कर आया था गाइज, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही घूम रहे भाई लिटरली भाई, अभी तो पूरी आर्मी मेरे पीछे पड़ चुकी है इनकी। ओ माय गुडनेस गाइज लुक एट देम भाई, आ जाओ साला तुम्हारी भैंस की आँख।
भाई कौन है ये, कौन इसे क्या चुल्ले साले के भाई, फायर वाले कितने तेज उड़ते हैं, मजाक सट के भाई। यार वो सारे तो उधर ही रह गए, यार कोई काम करता हूँ गाइस, एक काम करता हूँ, आई हैव एन आइडिया, ओके आई हैव एन आइडिया, पर मेरे को थोड़ा सा उसके लिए ना थोड़ा टाइम चाहिए हल्का सा। मैं सोल टर्मिनल बिछाना चाहता हूँ ठीक है, और इनको फिर उसके अंदर ला कर ना सबको पेलूँगा मैं, समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जाओ यार मेरे को टेलीपोर्ट का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ी दिक्कत ही है ना। ओहो उड़ लेना, क्या कर रहा है ना, अबे नाटक क्यों कर रहा है, पागल है क्या थोड़े से साला, नाटक कर रहा ड्रामेबाज। रुक जाओ गाइस, कितने लेवल का ये, 275 का है। मेरे को ना एक बार इस पर हार्पून लॉन्चर मारना, अकेला आ रहा है ना वैसे, अरे नहीं यार इसके पीछे बहुत सारे आ रहे हैं, इसको अकेले में लपेटना है मेरे को। रुक जाओ यार, कितने सारे आ रहे हैं भाई ये थोड़ा इशू क्रिएट कर देगा यार, लेकिन अरे इनको मारने पे मिलता है या अनकॉन्शियस करने पे मिलता है, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली क्या सीन है इसका, देखना पड़ेगा। यार ये इसको ना मेरे को हार्पून लॉन्चर वो रिलोड भी करना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कत ये है। अच्छा अल्फा वाला है तभी साला इतना भाग रहा है। यू आर कोल्ड साले, गर्मी इतनी हो रही है तो कोल्ड की बात कर रहे हैं। अरे यार इसकी भैंस की क्या सीन है यार, इसके तो दर्द समझ नहीं आ रहे मेरे को। साले मर जाएगा, तेरे को मरना है क्या मेरे हाथों, ये बता मरना है तेरे को, साढ़े तेरी भैंस की आंखाइयो। आ जाओ साले, तुझे मैं बताऊँ मैं कौन हुआ, आ जाओ साले तुझे मैं बताता हूँ, आ जाओ तेरी भैंस की आंख साढ़े ये ले, अरे ये हजार का डैमेज दे रहा है ये ले, आ जाओ साले आइयो, आ जाओ आ जाओ तुझे मैं बताऊँ भैंस हैं, हरकतें पेल रहा साला, इतनी देर से देख रहा हूँ, 37 टाइम्स और हिट करना है इसको फिर ये मर जाएगा। आ जाओ साले तेरी भैंस की आंख, आ जाओ गिरता हूँ तेरे से, फालतू का ड्रामे क्रिएट कर रहा है साले ने, तब से देखे जा रहा हूँ भाई फालतू में, मारे जा रहा मारे जा रहा मारे जा रहा मारे जा रहे मारे जा रहे, हाँ नहीं तो भाई ये, अरे यार लिमिट्स पे और आ गया हूँ मैं तेरी भैंस की साले, ये ले आइयो इधर, तुझे मैं बताऊँ साले, ये ले ये भी ले ये भी ले। ओह माय गॉड गाइस, फाइनली इसको मैंने पेल दिया। और एक सेकंड गाइस, आई जस्ट वेट अ सेकंड, मैंने कुछ देखा अभी, एक मिनट भाई, मेरे को अल्फा को मारने से 50 वेवन मिल्क मिला है, ले आओ 50 वेवन मिल्क भाई, मजाक है क्या, अल्फा वाले को मारने से ले आओ भाई, मजा आ गया, पता नहीं क्या क्या गिरा दिया मैंने पर ठीक है, ऐसे सोप से काम की चीज़ें ना गिरे बस मेरी। ओके भाई इन्वेंटरी का थोड़ा गलत सीन है, प्राइमेट रखने का मेरे को, और फायर टैलेंट गिरा दिया गलती से, कोई बात नहीं वो तो आ जाएगा। और मेरे पे लाइटनिंग वाले कितने सारे टैलेंट पड़े हुए हैं भाई, ओके ग्रीन वाले भी पड़े हुए हैं, लेकिन फायर वाले मेरे पे एक सेकंड, फायर वाला एक ही है सिर्फ, ओके ठीक है मैंने नीचे गिरा दिया गलती से, देखो कितना सारा सामान गिर गया भाई नीचे, इसको मारने से भी मिलेगा, रुको कुछ तो मिलेगा, देखते हैं भाई क्या सीन है इसका, भाई कितना सारा सामान फेंक दिया है नीचे, ये भैंस की ये ले साले। ओके प्राइम मीट दिया है, अभी मैं एक चीज़ करने वाला हूँ गाइस ठीक है, अभी अपने को थोड़ा बहुत टाइम मिल चुका है यहाँ पर, एक जगह रुक जाए ना अगर ये, तो मैं थोड़ा काम कर लूँ भाई, एक जगह डट जा बस प्लीज़ प्लीज़, हाँ रुक जा ठंडक पा जा थोड़ा सा हल्का सा, रुक जा बस। ओके मैं ना अपने जो अपन लोगों ने टेलीपोर्टर लगाया वहाँ पर मैं सोल टर्मिनल लगाने वाला हूँ अभी ठीक है, और सारे के सारे एक सेकंड रुक जाओ, इतना भी दूर नहीं लगाना, थोड़ा पास में लगाना है वहाँ पे उनके, क्योंकि सबको पेलने वाला हूँ भाई अभी मैं, यस गाइस सबको पेलने वाला हूँ अभी ठीक है क्योंकि भाई थोड़ा सीन है गाइस, मेरे को फायर वेपन का एक चाहिए बढ़िया लेवल वाला ठीक है, और अगर नहीं मिलेगा तो भाई थोड़ा सीन तो है भाई फिर तो ठीक है। अरे यार रुक जाओ, थोड़ा सीन तो यहाँ वैसे भी बैठा ही हुआ है, क्योंकि साले आके मारते हैं मेरे को भाई, बेमतलब के तो क्या ही बोलूँ, लेकिन फिर भी यार स्टिल मेरे को गाइस ज़रा देखने दो यहाँ पर कौन सी बढ़िया जगह हो सकती है जहाँ पर मैं बिछाऊँ और सारे के सारे यहाँ पर लेकर आ सकूँ। ओके ये वाली जगह ठीक तो है वैसे, आई थिंक यहाँ पर मैं अपना काम कर सकता हूँ। रुको गाइस सोल टर्मिनल कहाँ ही है रहा, कि वह इसकी एक साइड आओ भी बता दूँ तुम लोगों को मैं ना, रुक जाओ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अबे पल्मोना स्कॉर्पियस क्या है साढ़े, हाँ नहीं तो एंट रहा है मतलब के, रुक जाओ गाइस ज़रा इसकी ना रेंज बढ़ा दो, एडमिन बग ज़ैपर अनेबल, ओके आई थिंक अभी शायद से आई थिंक, अरे ओए ओए ओ भाई ये गजब ही, एक सेकंड अरे सारे के सारे लिपट गए भाई यहाँ के तो। ओके यहाँ से ग्रीन टैलेंट वगैरह मिल रहा है इनसे अपने को, पॉइजन टैलेंट मिल गया भाई, बहुत सारे डायनोस पेल दिया मैंने कसम से। अभी अपन ना इस वाले रेंज के अंदर भाई गाइस बिल्कुल सही है ठीक है, तो अपन ने जितने भी वेवन है ना यहाँ पर अभी सबको बुलाने वाला हूँ, 50 मिल्क तो हो चुका, तो आई थिंक टीम तो मैं आराम से कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, इन सबको बुलाना पड़ेगा अभी मेरे पीछे पीछे। हाँ भाइयो क्या हाल है, आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ, आ जाओ
ओ भाई हेलो, अरे पक्का पिटवाएगा मेरे को। ये फिनिक्स की थोड़ी बहुत हरकतें तो हैं भाई यहाँ पर। अरे भाई साहब, आ जाओ साल, तुम्हारी है इसकी। आ जाओ आ जाओ, पीछे पीछे आ जाओ, तुम्हें मैं बताऊँ मैं कौन हूँ। आ जाओ आ जाओ, डरता थोड़ी हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे सारे लिपट हो गया, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हल्का सा ओए ओए भाई, रेंज में आ जाओ जल्दी से। हाँ आ जाओ 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 आ जाओ, कम ऑन कम ऑन गाइस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और कौन आ रहा है? आ जाओ सब आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। भाई सबको पेल दिया गाइस, लिटरली सबको पेल दिया भाई। ओ माय गॉड, दैट वाज सो इजी ब्रो, दैट वाज सो इजी। सॉल टर्मिनल काम की चीज़ तो है गाइस, कुछ भी बोलो, हाँ काम की चीज़ तो है। अभी मेरे को ढूंढना है अंडे। ओके एक यहाँ जो रखा हुआ है फायर वाला, इसको एक काम करता हूँ, उठा लेता हूँ मैं, ठीक है। बाय चांस अगर नहीं भी मिलता दूसरा वाला अपने में कोई, तो इस वाले से काम चला लेंगे अपन। ओके अभी यहाँ से गोली होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि सारे के सारे वेपन गुस्सा हो जाएंगे मेरे से। अच्छा यहाँ बचा ही कौन सा है? बचा ही कौन है जो मेरे से गुस्सा होगा यहाँ पे? एक सेकंड, उस साइड में कुछ तो है मेरे को दिखा क्या यहाँ पर? अच्छा ये खाली पड़ा। अरे 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 भाई चिल करो भाई, चलो जा रहा हूँ ना, रुक जाओ, एक एक अंडा लेके जा रहा हूँ यहाँ से, ज़्यादा वो हरकतें ना पेलो भाई। एक सेकंड यहाँ पे क्या हो रहा है? ये लावा वावा कुछ ना फेंका भाई। एक सेकंड रुको, यहाँ पे भी अंडा नहीं है भाई, क्या सीन है? अरे इन लोगों ने अंडे नहीं दे रखे क्या? इतने सारे तो वेपन घूम रहे थे भाई यहाँ पर, वो सालों ने अंडा एक नहीं दे रखा भाई, बताओ हद नहीं होती है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ साले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बताऊँ तुम्हें मैं कौन हूँ? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पाड़ ले, क्या पाड़ लेगा साले? हाँ नहीं तो छोड़ में आ रहा था, इतना लिपट गए ना आ क्या स्वाद। हल्के में ले रहे थे इसके प्यार को। यहाँ देखो भाई, अर्जेंट टेविस खा गए उनकी बॉडीज को भाई, नाइस बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हैं भाई, सफाया करके ये लोग भी। चलो अभी अपने को जो है ना बस इनको लिपटाने का और कुछ नहीं करने का भाई, अभी मेरे को सबसे पहले लिपटाने का है। अरे भाई यहाँ तो कुछ ज़्यादा बचाड़ा है, थोड़ा सीन यहाँ पर है। अरे भाई मैं मरने वाला हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, बहुत गंदी वाली फीलिंग आ रही है, मैं पिटने वाला हूँ लिटरली भाई। यहाँ इनको मारते मारते पूरा टाइम निकल जाएगा भाई कसम से। ओ माय गॉड, एक सॉल टर्मिनल यहीं कहीं लगाने देना चाहिए था मेरे को। आ जाओ आ जाओ सालो, आ जाओ आ जाओ, कोई भाई आ जाओ। अब तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। भाई गेम लैग करने लग गया, सारे सारे भजड़ आ चुके हैं इनकी, मजाक से हटके भाई, मजाक से हटके भाई लिटरली ब्रो। लुक एट देम भाई, पूरी भसड़ आ चुकी है इनकी। अभी एक एक करके सारे झाकझुक होंगे भाई यहाँ से, अभी देखना गाइस, सारे के सारे झाकझुक होंगे यहाँ से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटे, आ जाओ, कम ऑन माय बॉयज, कम ऑन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लिटर तो थोड़ी हूँ तुम लोगों से, हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, या आओ आओ आओ। एक सेकंड, अबे भाई उसने, अबे एक सेकंड भाई मैं डर गया कसम से, मैं कह रहा हूँ मरे कैसे नहीं भाई। चलो गाइज अपन लोगों ने यहाँ पे फाइनली आई थिंक सारा का सारा एरिया जो है ना वो क्लियर कर दिया है। आई डोंट थिंक जो सारा हुआ है, पर या जितना हो गया उतना बहुत है। अभी अपने को जो अंडे चाहिए ना वो लेके चलते हैं यहाँ से। वेवेंस तो वापस आ जाएंगे क्योंकि इस जगह पर उनको आना ही पड़ेगा। आई थिंक शायद इतने सारे अंडे दिए थे ना, सारे के सारे हैच हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है, इतनी गर्मी की वजह से भाई। कितने सारे, एक सेकंड वहाँ पे जो अंडा अगर मिल गया ना तो मज़ा आ जाएगा। लाइटनिंग वाला एक और चाहिए मेरे को, आई मीन लाइटनिंग का चाहिए, और फायर का तो अपने पे है लेकिन लो लेवल का है। फायर का एक बढ़िया लेवल का मिल गया तो मज़ा आ जाएगा। इनके पास से गुजर के जाऊँगा। सालो अंडा नहीं दे रहे भैंस की हैं, इतनी मेहनत करके आया हूँ तुम लोगों को पेल पाल के यहाँ पे मैं, और सालो अंडे नहीं दे रहे तुम लोग, मजाक चल रहा है यहाँ पे कोई? भाई सारी जगह खाली पड़ी हुई है मजाक सट के। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डरता नहीं हूँ डरता नहीं हूँ, आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे भी खाली पड़ा हुआ भाई पूरा एरिया। भाई कहाँ जा रहा है ये? एक सेकेंड थोड़ा सीन बैठ चुका है, रुको। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, रुको गाइस एक और बार मैं इनकी गैंग लेके जाता हूँ अपने पीछे पीछे, ज़रा इनको पेल पाल कर आता हूँ मैं, ठीक है। इनकी भैंस की, आ जाओ सालो आ जाओ। अरे भाई साहब इस बार तो ज़्यादा बड़ी गैंग आई है भाई, इस बार ज़्यादा बड़ी गैंग आई है। आ जाओ सालो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके आ जाओ भाई लोग। अबे कहाँ रह गए साले साले, सारे सारे ना पता नहीं कहाँ चले गए भाई, पीछे पीछे नहीं कर रहे मेरे, पता नहीं क्या हो गया इनको। आ जाओ भाई, अरे यार इनको ना बार बार बुलाना पड़ेगा मेरे को। अरे भाई गलत मार दिया, अबे मेरे को पेल दिया इन लोगों ने तो। हेलो भाई बरस गए मेरे ऊपर। एक सेकंड गाइस जरा जस्ट गेम में अवेना टके, अभी अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, वापस आ रहा है। भाई इनको टेम करना भाई, मेरे को लग रहा है कुछ तो सीन बैठने वाला है। ऐसे मेरे पे अभी मिल्क विल्क आ चुका है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे, ठीक है। अभी देखते हैं ज़रा, अपने फिनिक्स को वापस बुलाते हैं, अपने को अभी वापस गोली होने का है वहाँ पर।
सोल टर्मिनल थोड़ा ना मेरे को लग रहा है कि एक और बना लेना चाहिए, थोड़े बहुत वहीं लगा दूंगा मैं, बिछा दूंगा उनको वहीं जाल में फेंस के, कैसे कैसे देखी जाएगी। चलो अभी चलते फटाफट से और अपन जा रहे हैं वापस अपने इलाके में। ठीक है गाइस लेट्स गो। भाई मज़ा तो आ रहा है लेकिन भाई उनको पकड़ने में जो हरकतें अपन कर रहे हैं मज़ा तो आ रहा है उस चीज़ में। कहाँ रह गए मेरे को देखना है उनको जरा जाकर, एक बार ना उनके पास आसपास रखूँगा क्योंकि इस बार थोड़ा ना दूर हो चुका है अपना जो वो टर्मिनल था, इसलिए उनके पास में रखूँगा थोड़ा बहुत जाके। और ये लोग ना रिस्पॉन तो होते रहेंगे इतना तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि ये वाले जगह ना इन्हीं के लिए बनी हुई है इसलिए। सो या आई एम श्योर अबाउट इट, ये लोग आते रहेंगे, अपने को दिक्कत नहीं होने वाली कोई। ओके दैट इज़ गोइंग टू बी गुड। पर वो देखो एक सेकेंड वो कहाँ चले गए, यहाँ तो भाई मैंने लेकिन पूरा देखो बरसात कर दी है भाई इन लोगों को पहल पहल के। कहाँ चले गए ये लोग यार, यहीं पे तो थे सारे के सारे, अंदर चले गए क्या वापस? एक मिनट गाइस रुको जरा देखने दो कहाँ चले गए भाई, अभी कहाँ गए, अभी तो मेरे पीछे पड़े हुए थे, यहीं पे तो थे ये लोग, कहाँ गए अभी? वॉट एक सेकंड भाई एक सेकंड को गाइस, यहाँ ना यहाँ पास में रख देता हूँ टेलीपोर्टर, ठीक है आई मीन सॉल्ट टर्मिनल, ताकि मेरे को इतना दूर ना जाना पड़े वहाँ से। भाई समझ रहे हो ना गाइस मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अभी पेलम पाली होगी भाई फिर से देखी जाएगी इनके भैंस के, अगर को सबको मारूंगा भाई सारे के सारे पेलूंगा भाई यहाँ से, गायब कर देना मेरे को सबको। यहाँ पे बिछाता हूँ उसको, ठीक है आई होप सो मेरे पे अटैक करने वाला कोई डायनो नहीं है यहाँ पर, ठीक है चलो गुड। फटाफट इसको लेता हूँ, इसको बिछाता हूँ, इसको करता हूँ एडमिन, बग ज़ैपर ऑन, अनेबल ऑन, विजिबल, ठीक है। अरे पागल है क्या फिनिक्स, अबे साले वहाँ क्या कर रहा भाई, इधर आना, अबे यहाँ हूँ भाई मैं, हाँ चलो आ जा लेट्स गो गाइस। अभी थोड़ा टाइम आ चुका है इनको फिर से पेलने वेलने का भाई। हाँ भाई क्या हाल है, और भाई लोग आ गया मैं फिर से, कुछ मार लोगे तुम लोग मेरा है? भाई एक सेकंड यहाँ से बच के निकल पाऊँगा मैं? ओहो अरे भाई साहब यहाँ तो कति गलत सीन हो चुका है, इनको घुमा फिरा के लेके जाना पड़ेगा। आ जाओ भाई लोग आ जाओ तुम सब, लुक एट देम गाइस, जस्ट लुक एट देम कैसे आ रहे हैं, कैसे लिपट रहे भाई आके, झाक झुक कर दिया भाई इनके साथ मैंने। आ जाओ भाई क्या हाल है, क्या हो गया भाई है, नहीं आया जा रहा किधर, नहीं हो रहा क्या, नहीं हो रहा क्या बॉयज, नहीं हो रहा क्या, गुस्सा नहीं हो गया मेरे से तुम लोग हैं, गुस्सा तो हो जाओ थोड़े बहुत, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डरता नहीं हूँ तुम लोगों से समझे क्या, डरता नहीं हूँ भाई मैं, आ जाओ तुम लोग। इनको ना भैंस के रुको इनको पेलना पड़ेगा, थोड़ा आग वाग फेंकनी पड़ेगी तभी आएंगे ये लोग, साले मानते नहीं ऐसे, ये पता नहीं कहाँ गायब हो रहे भाई, देखो छुपे पड़े भाई सारे के सारे पीछे भाग गए। आ जाओ भाई डर गए क्या सारे के सारे, क्या हो गया? ओ भाई लोग क्या हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो उधर उधर चलो उस साइड में, हाँ उधर आ जाओ भाई, सब मजा आने वाला है। और ये लाइटनिंग वाले थोड़ा बच के रहना है, हर बार पेल दे रहे मेरे को भाई। आ जाओ 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 आ जाओ, सीन नहीं है भाई कोई, आ जाओ आ जाओ जल्दी आओ जल्दी जल्दी जल्दी। अरे यार नहीं यहाँ तक, ओके ओके सारे के सारे चले गए, बहुत बढ़िया गाइस लेट्स गो। अभी अपने को सिर्फ जो काम करने का है ना वो करते रहो, उसको बुला ही लेता हूँ मैं, साला हरकतें पहले का नहीं तो। चलो गया वो भी वो तो आया चला गया भाई, गायब भी हो गया आके। ओके मेरे को ना अभी अंदर जाना पड़ेगा यहाँ पर, और थोड़े अंडे वगैरह चेक करने दो ज़रा। लाइटनिंग का अपने को एक और चाहिए, अभी लाइटनिंग का अपने को नहीं मिला है क्योंकि फायर का मिल चुका है अपने को जो कि लो लेवल का है पर ठीक है, और मेरे को जो चाहिए ना वो नहीं मिल रहा लेकिन यार यहाँ पर। अरे यार यहाँ कितनी भसड़ है भाई, अभी भी भसड़ बची हुई हैं तो, वहाँ कसम भाई कितनी भसड़ है यहाँ पे भाई, कितना मारूँ मैं? ओके तो बहुत सारे तो मैंने पेल दिए लेकिन अभी भी बचे हुए बड़े भाई, ठीक है ओके उसका भी काम हो गया नाइस। अभी मेरे को अंदर जाना पड़ेगा, आई जस्ट होप्स हो गया ना कम बचे हैं अभी ठीक है, और मैं इनमें सर्वाइव कर लूँ बस, दैट्स ऑल आई वॉन्ट। अभी अपने को चाहिए लाइटनिंग वाला, रुको ज़रा देखने तो कहाँ पर मिलेगा भाई। एक नेस्ट, यार नेस्ट नहीं दिख रहे मेरे को ना इनके, बड़े कम कम नेस्ट बचे हुए अभी तो, सारे निकाल दिए क्या मैंने? यहाँ पर भी खाली पड़ा हुआ है ये भी, यार सारे नेस्ट तो खाली पड़े हुए इनके, हले अंडे कहाँ दे रहे भाई, दो ही अंडे दिए सालों ने भाई, यहाँ कितनी भसड़ अभी भी यार, हद नहीं होती है भाई, हद है यार, कितने मारूँ भाई मैं भाई, इनको एक तो ना दिमाग ख़राब हो गया मेरा कसम से भाई, इतने सारे डायनोज है ना यहाँ पर लिटरली भाई, मजाक सेट के इतने सारे वेपन्स है भाई क्या बताऊँ मैं भाई, यहाँ तो अभी और भी भाई साहब लग गए भाई मेरे तो, बहुत बुरी तरह से लगने वाले हैं।
क्योंकि यहाँ पे लिटरली भाई मजाक से हट के भाई साहब हेलो ब्रो सीरियसली लुक एट दिस गाइस लुक एट दिस क्या हो रहा है यहाँ पर भाई हेलो भाई साहब ओ माय गॉड सबको बुलाने दो भाई सबको एक साथ लेके जाऊँगा मैं बहुत हो गया लिटरली भाई बहुत दिमाग ख़राब कर दिया आज हूँ एक सॉल टर्मिनल मेरे को लग रहा है यहीं कहीं पिछा देना चाहिए था मेरे को रुक जाओ गाइस एक टेलीपोर्टर लगा दो यहीं कहीं पे मेरे को जरा यहीं आऊँगा डायरेक्टली यहीं लगा दूँगा उसको मैं सॉल टर्मिनल ठीक है रुको चल नीचे चल हो गया अपना काम ठीक है चलो 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 चल 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 भाई पिटेगा 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 पक्का पिटेगा ये इसकी हरकतें देख के लग रहा मरने वाला हूँ मैं भाई मैं मरा भाई बहुत कसम से बहुत गलत सीन बैठ चुका है यहाँ पर आई एम गोना बी डेड मेरे को लिटरली कुछ भी आइडिया नहीं है क्या हो क्या रहा है यहाँ पर भाई साहब क्या बचाऊँ मैं भाई साहब मजाक से हट के भाई क्या था ये ओ माई गॉड भाई यहाँ क्या करूँ मैं मेरे को मैं सॉल्ट टर्मिनल कितने लेकर आया था मैं एक ही लाया था क्या अबे यार थोड़ा तो सीन है पर क्या ही कर सकते हैं अभी अपन भाई बहुत ज़्यादा हरकतें फेल दिया भाई इतने ज़्यादा है यहाँ पर मैं मजाक से हट के भाई बहुत ज़्यादा है कि भैंस की इनको तो यूज़ किया ही नहीं मैंने आ दो साल तुम्हारी भैंस की क्या तुम्हारी भैंस की चलो कुछ नहीं हुआ गाइस इट्स ऑल गुड होता रहता है इट्स ऑल गुड गाइस ओके यहाँ पर एक और टेलीपोर्टर मैंने ये लगा दिया सॉल टर्मिनल तो अभी आई थिंक शायद से आई विल बी सेफ प्रोबेबली आई एम नॉट श्योर बट लेट्स सी गाइस अभी अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर ठीक है आने दो मैं इसकी आँख इनकी बताता हूँ इनको सालों को अभी मैं काफ़ी सारे तो चले गए ना उस साइड में चले गए काफ़ी सारे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन थोड़े दिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा ही है यहाँ पर अभी भी भाई यहाँ तो लिटरली अभी भसड़ बची हुई है भाई अब यार यहाँ थोड़ी दिक्कत नहीं है बहुत ज़्यादा दिक्कत है एक्चुअली भाई मैं मरूँगा और कुछ नहीं है लिटरली आई एम गोना बी डेड वो श्योर ब्रो आ जाओ तुम लोग बाहर आ जाओ सालो एक बार तुम लोग बाहर आ जाओ तुमको मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ फिर तुम आ जाओ एक बार बस आ जाओ भाई इनको सबको लेके जाऊँगा भैंस के यहाँ किनकी हैं आ जाओ सालो तुम्हारी भैंस की भाई ये चलेगा सारे के सारे वेवन यहाँ पर पिटेंगे सारे पिटेंगे ये आ जाओ एक सेकेंड मरे ओके मर गए काफ़ी सारे लिपट गए भाई बहुत बढ़िया इन सबको पेलना पड़ेगा दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस अगर अपने को अंडे चुराने हैं सारे के सारे सबको गायब करना भाई यहाँ से आ जाओ बालको आ जाओ सालो ओके यहाँ पर इनको भी मैं पहले पाली इनकी कर देता हूँ आ जाओ भाई खाना मिलेगा यहाँ पर आ जाओ बहुत बढ़िया इसको पेलता हूँ कुछ तो मिलेगा इससे अपने को ज़रा यार इनसे ना डायरेक्टली निकालता नहीं है वो टैलेंट वगैरह जो होता है ना निकालता नहीं है तो मेरे को बार बार जाना पड़ता है निकालने के लिए कोई बात नहीं चलो अभी ठीक है यार अभी ठीक नहीं है पता है क्या अभी भी हाला अंडा नहीं दे रहे भैंस के यहाँ जो मेरे को चाहिए ना जिसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर वो नहीं मिल रहा है यहाँ पर यार वो वाली जगह मैंने देख ली थी आई थिंक यहाँ पर और अंडे है ही नहीं भाई क्योंकि मैंने पूरा सर्च कर लिया भाई यहाँ और अंडे नहीं मिल रहे मेरे को आई थिंक शायद से इतने ही है गाइज यहाँ पर ना अपने को कभी और आना पड़ेगा शायद से यहाँ पर लेट्स सी ओके पंगे ले लिए भाई बहुत बुरी तरह वाले लाइटनिंग का चाहिए था मेरे को लाइटनिंग वाला नहीं मिला क्योंकि अभी तक मैं मरा फिर मरा मैं बच गया संभाव बच गया आ जाओ बाहर आओ तुम्हें बताऊँ मैं कौन हूँ भाई मरा मैं लिटरली आई डोंट नो क्या हो रहा है कसम से भाई क्या हो रहा है कुछ आइडिया नहीं है फंसा पड़ा हूँ मैं कहीं ना कहीं तो एक सेकंड का इधर रुकूँ भाई गलत ही सीन बैठा पड़ा है यहाँ तो भाई आ जाओ अब ये आई थिंक लास्ट फाइनल बचे हुए हैं जो भी बचे हुए हैं ये ख़त्म होने वाले इनके बाद में आ जाओ अब मेरे को आराम से शांति से ढूंढने भाई अंडे वगैरह इनके सारे के सारे गायब हो गए एक बार में ठीक है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अभी रुक जाओ थोड़ा शांति से जाऊँगा अंदर और देख कर आऊँगा वहाँ पर अंडे वगैरह है कि नहीं इनके ये यहाँ पर यूटेरनस क्या कर रहा है पहली बात तो ओके यहाँ के सारे वेपन चले गए ओ भाई साहब सबको पेल दिया मैंने नाइस वन गाइस बहुत बढ़िया लेकिन यार यहाँ पर ना अंडे नहीं है भाई जो मेरे को चाहिए रहेंगे एक सेकंड मेरे पे ठीक है इसका अबे एक सेकंड कितना टाइम लगाएगा भाई ये इनक्यूबेशन टाइम तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको मेरे को ऐसा लग रहा है और यहाँ पर भाई अंडा वगैरह का थोड़ा दिक्कत तो है लेकिन गाइस
क्योंकि यहाँ पर एग्स वगैरह है नहीं यार। मेरे को लगा था मिल जाएंगे तो मैं थोड़ा बहुत कर लूँगा, लेकिन सारा टाइम वेस्ट हो गया मेरा इसके अंदर। पता है अंडे नहीं मिले मेरे को भाई जो चाहिए थे, खासकर लाइटनिंग वाले मेरे को चाहिए थे, लेकिन लाइटनिंग वाले मिले ही नहीं यार। ठीक है कोई नहीं, देखते हैं मिल जाए तो। यार देख रहा हूँ सारे नेस्ट वगैरह सर्च कर रहा हूँ मैं, सिर्फ दो ही अंडे मिले हैं मेरे को, बताओ गलत बात नहीं है ये? इतने सारे यहाँ पे वेपन घूम रहे हैं उसमें सिर्फ दो अंडे, बताओ भाई सिर्फ दो अंडे यार, हद होती है। वेट अ सेकंड गाइस, मेरे को एक अंडा दिख चुका है ठीक है, लाइटनिंग वेपन का है, इसको मैं फटाफट से इक्विप कर लेता हूँ, बस उठा ले अब चल ले भाई, तू चाहे तो मर जा कोई दिक्कत नहीं है, मर जा चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मरना क्यों ही है, मैं काम कर तो टेलीपोर्ट ही जाता हूँ फटाफट से गाइस। साले बहुत आराम है भाई, मार दिया सालों ने। मैंने सोचा था कि मैं बच जाऊंगा, पर कोई बात नहीं गाइस, अपने को जो है तीनों के तीनों अंडे मिल चुके हैं, लेट्स गो भाई। तीनों अंडे मिल चुके हैं, आई एम हैप्पी विद दैट भाई, मज़ा आ गया। लेकिन अभी जो है इनको अपने को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मेरे को इसको जो है ना सॉल्ट टर्मिनल के अंदर डाल देना चाहिए था। एक सेकंड मेरे को अपनी इन्वेंट्री बुला दो, नहीं तो भाई सीन बैठ जाएगा। और यहाँ पे एक अंडा जो था ना वो तो शायद से यार, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है आई थिंक। एक सेकंड गाइस, इनको टेम करने का थोड़ा सीन बैठने वाला है। एक अरे वो ये रहा, ठीक है तीन अंडे मेरे पास आ चुके हैं, और ठीक है तीनों को बाहर निकालता हूँ। बाकी अपने को अभी जो है इनको एसीज़ के पास में रखना पड़ेगा ठीक है, एसीज़ के पास में रखना पड़ेगा और आगों के बीचों बीच रखना पड़ेगा। सो मेरे को इनके टेमिंग का थोड़ा ना अलग सीन बिठाना पड़ेगा गाइस ऊपर जाके। पहले मेरे को काफ़ी सारे टॉर्चेस बनानी है, स्टैंड टॉर्चेस जो होती है, लगभग मेरे को आई थिंक 10-15 तो बनेंगी आई थिंक, 15 बना लेता हूँ ठीक है, 15 चलेंगी। और मेरे को साथ साथ में बनानी है क्या, एसीज़ भी बनानी है, एसी भी थोड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है मेरे को ऊपर। आई होप सो एसी का कनेक्शन जो है ना ऊपर तक काम कर जाए। एसी मेरे को बनानी है, एयर कंडीशनर बोलते हैं इसको, और यहाँ बनानी है मेरे को एटलीस्ट 10 तो लगेंगे भाई, 10 तो लगेंगे आई एम श्योर अबाउट इट। तो गाइस ये सारा रिसोर्सेज फटाफट से बनने दो, और मैं ज़रा अपने ना चीज़ें पहन लूँ। मेरी चीज़ें कहाँ गई, और ये स्किन मिली थी मेरे को इसके अंदर एक कॉन्टेक्ट वाली, ये देखो कहाँ गया, हेलो ये देखो हाथ देख रहे हो कितने आर्मर टाइप लग रहा, बढ़िया सा तगड़ा वाला। चलो भाई मेरे को 76 पॉइंट्स मिले लिटरली भाई वहाँ पे, भाई साहब कसम से भाई वेट पे भरूंगा सारे पॉइंट मैं तो। बिल्ड डैमेज भरना है मेरे को, मूवमेंट स्पीड भी, मूवमेंट स्पीड ज़रूरत नहीं है बहुत है अपना मूवमेंट स्पीड का। बिल्ड डैमेज ठीक है, स्टैमिना हेल्थ थोड़ी बढ़ानी है, हेल्थ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, स्टैमिना थोड़ा बढ़ाना है, ऑक्सीजन पे थोड़ा डाल देते हैं, फूड वगैरह भी डाल देते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत सीन बैठता है इनका। कुछ भी पॉइंट लगा दिया भाई, इतने सारे आ गए थे मेरे पे, क्या करूँ और मैं लग गए सारे पॉइंट। क्राफ्टिंग स्किल पे भी डाल देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर हमारा लास्ट एसी भी बन चुका है, बन जाए जल्दी से भाई ठीक है। और अपने को जो है ना सारी की सारी चीज़ें जो है ना ऊपर लगानी पड़ेंगी अभी, लेट्स गो। एक सेकंड इनका थोड़ा अलग ही जुगाड़ करना पड़ेगा मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। यहाँ पर ट्राई करते हैं एक बार, रुक जाओ, 1, 2, 3, 4, 5 लेट्स सी क्या सब बनेगा भाई, पता नहीं बस काम कर दे अच्छा खासा, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। अबे यार इसका ना पता नहीं क्या सीन है, नहीं हो रहा है क्योंकि ना इसका अलग ही सीन है भाई, ये ऑटोमेटिकली ऑन नहीं हो देगा इस। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पहले एसी लगा देता हूँ, इसका काम करते हैं भाई अपने को, थोड़ा अच्छे से लगाएंगे ताकि अपनी सारी एसी वगैरह काम करूँ यहाँ पर। अरे लगा दे भाई, हेलो टॉर्चेस का काम नहीं हुआ है ठीक है, तो मेरे को देखना पड़ेगा क्या सीन है उसका भाई। और बाकी तो अपने सारी के सारे एसीज यहाँ लगा रहे हैं अपन, आई होप सो कि अच्छा खासा काम यहाँ पर अपने कर जाए ये सारी चीज़ें। सारे अंडे फेंक देता हूँ यहाँ पर, रुक जाओ ज़रा, एक तो अपना एग इनक्यूबेशन इसका शुरू हो रहा है, इसका 16 मिनट मांग रहा है। एक सेकंड सारे अंडे, एक सेकंड भाई, अरे एक मिनट ले आओ। अच्छा भाई मैं डर गया, मेरे सारे अंडे कहाँ चले गए यहाँ के। ओके ये भी 16 मिनट में हो रहा है, ये भी 16 मिनट में होने वाला है आई थिंक। शायद से गर्मी वगैरह टू कोल्ड वगैरह जो भी है यहाँ पर एकदम सेट है सब कुछ, तो ये भाई इसको 16 मिनट लगेंगे अभी होने में ठीक है। तो एक काम करता है गाइस, जब तक ये हो रहा है ना अपन जाने वाला है केव की एक्सप्लोरेशन करने के लिए ठीक है, क्योंकि अपने को आज जो है केव भी एक्सप्लोर कर कर आनी है ठीक है गाइस। तो जब तक वो अंडों का काम हो रहा है ना गाइस, अपन हमारे फिनिक्स को लेकर चलते हैं हमारे साथ में, और अभी जा रहे हैं अपन लोग फटाफट से गेट कीपर वाले आर्टिफैक्ट के पास में ठीक है, क्योंकि अपन जल्द ही जो है बॉस फाइट भी करने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस। मैं देख लेता हूँ मेरे पे क्या क्या सामान रखा हुआ भाई, क्योंकि कुछ ज़्यादा भर चुका है आई थिंक। वुड वगैरह मैंने काफ़ी सारी अभी निकाली थी, लेकिन
एक मिनट मेरा, अच्छा आई थिंक ओके, फिनिक्स का वेट का सीन है थोड़ा सा। फिनिक्स के भी बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल है गाइस, वेट पे भर देता हूँ, थोड़े बहुत हेल्थ बढ़ा लेता हूँ, 1,00,000 तो कर ही देता हूँ उसकी हेल्थ। स्टैमिना इज गुड, मूवमेंट स्पीड पे भर देता हूँ थोड़े बहुत, और डिफेंस पे अटैकिंग के लिए ठीक है। चलो आई थिंक एवरीथिंग इज गुड, यहाँ पे इसका टैलेंट निकाल लेता हूँ, बाकी ये निकाल लेता हूँ, और आई डोंट थिंक तो मेरा कुछ काम का है ये प्राइम मीट, और या सल्फर निकाल लेता हूँ, बस दैट्स इट, बाकी सब कुछ फेंक देता हूँ ठीक है। अपने को और कुछ भी नहीं चाहिए इसके अंदर से भाई, पूरा सामान फेंक दिया लिटरली। फिनिक्स का यहाँ पे सैडल होता तो है यार, लेकिन मेरे को सैडल का पता नहीं कुछ बता नहीं रहा है ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अपने को जो है अभी सिर्फ निकलना है गेट कीपर के आर्टिफैक्ट के लिए। ओके लेट्स गो, आई थिंक रेड वाला टर्मिनल है ना वो। चलो कोई बात नहीं, अपन चले जाएंगे वहीं पे, ऐसे ही चल लेंगे। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड भाई, सैंडस्टॉर्म आ रहा है क्या? अच्छा ओके ठीक है, आने दो, कोई बात नहीं, डरते हैं क्या सैंडस्टॉर्म से भाई? एक सेकंड, मेरे को स्लो कर देगा, लेकिन भाई फिनिक्स को फ़र्क नहीं पड़ता शायद से, फिनिक्स अभी भी तेज चल रहा है भाई, लिटरली कुछ आइडिया नहीं क्या झाक झुक हो रही है इधर भाई। ये गलत टाइम पे आया, लेकिन कुछ भी बोलो बहुत गलत टाइम पे आया, क्योंकि मेरे को मैप देखना पड़ेगा, सीधा सीधा निकलने का अपने को ठीक है भाई। बहुत ही ज़्यादा गलत टाइम पे आया है सैंडस्टॉर्म। ओहो एंड आई थिंक गाइस शायद से ना एपिसोड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आई नो, पर क्या ही कर सकते हैं भाई। मैंने ना ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था कि भाई इसके अंदर मेरे को सारी चीज़ें करनी है, लेकिन वेवन में ही पूरा टाइम निकल गया भाई लिटरली यार। आई जस्ट होप सो कि तुम लोगों को ना मज़ा आ रहा हो यार गाइस। चलो अभी यहाँ चलते हैं, सैंड वगैरह ऑटोमेटिकली इकट्ठे कर रहा है वैसे ये ठीक है। चलो आई थिंक यहाँ पर कहीं ना कहीं कीव मिलेगी अपने को, मैप के हिसाब से यहीं कहीं होनी चाहिए है। एंड लेट्स गो, कुछ तो काम का है वैसे अपने ये फिनिक्स जो है भाई कसम से, लेकिन भाई यहाँ लिटरली कुछ आइडिया नहीं क्या हो क्या रहा है भाई साहब। यहाँ का तो कति गलत ही बुरा हाल है। आई थिंक शायद यहीं कहीं पे केव है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को, तो आई थिंक यहीं पे केव होनी चाहिए। या यहीं पे केव तो है, लेकिन एक सेकेंड सालो क्या है, फोन है रैप्टर है परेशान कर रहा है साला जो। अरे भाई एक सेकेंड, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा मेरे को अंधेरे में, आई मीन ये मिट्टी इतनी उड़ रही है ना भाई, धूल धूल हो रहा है पूरा यार। मैं ना यहाँ पे केव ढूंढ तो रहा हूँ, लेकिन मेरे को केव मिल नहीं रही है एक्चुअली ठीक है। यहीं कहीं होनी चाहिए केव वैसे, आई थिंक शायद से इस साइड है, नहीं इस साइड तो नहीं है, वेट इधर कहीं तो होनी तो चाहिए भाई, पता नहीं, लेकिन वेट यहाँ से पीछे जाना है कि आगे जाना है भाई, क्या सीन है इसका थोड़ा तो। अरे मैं वापस उसी जगह पर आ गया जहाँ से गया था भाई, वाव नाइस। थोड़ा सीन है गाइस केव का, आई डोंट नो, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है रास्ता वास्ता जो भी है यहाँ का भाई, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। यहाँ पर बी हाइव वगैरह रखे हुए हैं, और लेट्स सी, ओके आई थिंक ये वाले, ओके ठीक है मिल गई केव मिल गई अपने को। चलो यहाँ रुकता हूँ फटाफट से, उतरता हूँ, उतर जा भाई, ठंडक पा जा थोड़ी सी, और टेलीपोर्टर लगा देता हूँ पहले, क्योंकि मैं टेलीपोर्टर से ना सबसे बेस्ट चीज़ है भाई वो लगाना, नहीं तो अपन पिल जाएंगे खामा खा, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसको लगा देते हैं यहाँ पर, और फिनिक्स बेड़े मेरे साथ आ जाओ जल्दी से। एक सेकंड भाई, मैं तो इसको भी पेलने वाला था, कहाँ गई मेरी सोलगन, आ जाओ भाई, अभी मैं इसको रॉकेट लॉन्चर पेलने वाला था भाई। ओ भाई आज ही आ जाओ भाई, ओ फिनिक्स सर जी आ जाइए, हाँ थैंक यू। चलो गाइज अभी अपन जा रहे हैं फिनिक्स आई मीन इस केव के अंदर ठीक है। आई डोंट नो इस केव के अंदर क्या खतरा अपने को देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर अपनी केव शुरू हो चुकी है बहुत बढ़िया। आई जस्ट होप सो कि ना मैं सही रास्ते में जाऊँ ठीक है गाइज, रुक जाओ क्योंकि मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता अभी, आई जस्ट वॉन्ट कि मुझको सीधा आर्टिफैक्ट मिल जाए। लेट्स गो, आई होप से खतरनाक केव ना हो भाई, मेरे को अपना ग्रैपलिंग हुक निकाल लेना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा काम आता है अपने। एक सेकंड, मेरे को यहाँ कुछ चीज़ तो मिली है, ये क्या है, अल्फा वेवन ट्रॉफी, ओ ऐसा भी होता है क्या। ओके यहाँ पर दो मैगलिनियाँ लटकी पड़ी है भाई ऑलरेडी, यहाँ पर खतरा तो लग रहा है, हो सकता है शायद से केव का थोड़ा सीन तो है भाई यहाँ। अरे ये क्या फेंक रहा है, एक सेकंड क्या फेंक रहा है ये, बाहुड़ा हो गया क्या साले, क्या फेंक रहा है तू ये, है लो एक्सेसरीज रिमूव करना, रुको जरा गाइस क्या कुछ तो सीन है भाई इसका, हाँ वही सोचो कुछ तो फेंका जा रहा था तब से। आई थिंक शायद यहाँ जाना है मेरे को, लेट्स सी, आई जस्ट होप सो मेरे साथ हरकतें ना हुई चाहे। ये क्या है भाई, यहाँ पर एंशियंट वाली चीज़ें लगा रखी है भाई, एक मिनट यहाँ थोड़ा गलत सीन है, मैगलिन यहाँ ठीक है भाई, अटैक वटैक नहीं करती, अब तो छेड़खाने नहीं करते उनके साथ। गाइज मैंने ना यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी है जस्ट अभी ठीक है, और ये देखो भाई यहाँ पर भाई बॉडीज पड़ी हुई है, पता नहीं किसकी
बहुत गंदा मारा जो भी यहाँ पर आया भाई, स्कल वगैरह सब पड़ा हुआ, मैंने इसको इग्नोर मारा लिटरली। यहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हुई है और यहाँ लिटरली कुछ ना कुछ तो सीन है भाई, कुछ तो गड़बड़ है गाइस। ओके अपन अभी सीधे सीधे जा रहे हैं भाई वहाँ से, ठीक है मैगलिनिया के पास से। लेट्स इसकी भैंस की आँख भाई, गोलम वोलम आ रहे भाई यहाँ तो। आजा आजा सीधा सीधा, हाँ बहुत बढ़िया, ऐसी 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 इनको बस नीचे फेंकते रहना और कुछ नहीं करना। एक सेकेंड हेलियो, कूद कूद के कैसे आ रहा भाई, बच गया कसम से बच गया, मैं बहुत बुरी तरह से बचाऊँ अभी मैं। आई डोंट नो कहाँ जाने वाले अपन भाई अभी, लेकिन मेरे को सेफ रहना है इन। एक सेकंड यहाँ पे सांप वहाँ पे घूम रहे भाई, रॉक वाला नीचे पहुँच गया लेकिन साला, बच गया। ओके बच गया, हल्का सा बचा भाई अभी मैं। अच्छा है मैंने ग्रैपलिंग हुक निकाल रखा है, नहीं तो मेरा सीन बैठ जाता। लेट्स सी किधर जाने का है अभी, यहाँ से इधर। पर यार रॉक वाला भी बैठा हुआ है ना ये सामने, तो ये क्या पड़े हुए पत्थर उत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है। ओए इनकी ऐसी की तैसी भाई, अरे भाई चल 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 भाग। ओके मैं इधर आ चुका हूँ लेकिन एक सेकेंड कुछ तो गड़बड़ है, गलत रास्ते में आ गया क्या भाई, गलत रास्ते में तो नहीं आ गया मैं। अरे यार इसको प्यास भी अभी लगनी होती है क्या गाइस, यहाँ पर मेरे को आर्टिफैक्ट तो दिख चुका है लेकिन यहाँ थोड़ा खतरा हो सकता है। एक सेकेंड ठीक है ठीक है ठीक है, अपन अच्छा अपन आर्टिफैक्ट के पास ऑलरेडी पहुँच चुके थे, अपने को मिला नहीं था तब भी, ठीक है स्पाइक का स्किन मिला और यहाँ पर अपने को गेट कीपर का आर्टिफैक्ट भी मिल चुका है। और साला एक गोलम परेशान कर रहा था, कहाँ चला गया वो, बहुत परेशान किया साले ने तेरी भैंस के, साढ़े आना कहाँ चला गया। उससे पहले एक सेकंड रुक जाओ गाइस, मैं यहाँ से निकलूँ, मैं टेलीपोर्टर लगा देता हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि कोई भी सीन विन हो मेरे साथ भाई बाद में। एक सेकंड यार टेलीपोर्टर भाई, कम ऑन प्लीज सीरियसली डोंट टेल मी मैं टेलीपोर्टर प्लेस नहीं कर सकता भाई। अरे यार क्या सीन है भाई, टेलीपोर्टर क्यों नहीं लग रहा है यहाँ भाई, टेलीपोर्टर लगा दे यार। अरे यार मेरे को बार बार आना पड़ेगा, मतलब ये अलग झाक झूक है भाई इसका। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपन अभी निकलते हैं गाइस हमारे बेस पे वापस। लेट्स सी अपने अंडे वगैरह क्या सीन चल रहा है अभी, ठीक है फटाफट चलते हैं यहाँ पर और अपने को हमारे बेस पे काम वाम करना भी, देखते हैं क्या सीन है भाई अंडों का। देखना मेरे को बस वैवन निकल जाए, उसको दूध दूध पिलाने का है भाई अपने को अभी बस। लेट्स सी ऊपर चलते हैं एंड यहाँ पर ये होने वाला है गाइस, कितना टाइम चाहिए, 2 मिनट लगेंगे बस इसको अभी, ठीक है और अभी हो जाएगा ये, अभी होने वाला है जस्ट गाइस, ठीक है इनसे बच्चे निकलने वाले हैं। रुको मैं आप सबको पूरा सब कुछ दिखाऊंगा ठीक है, तब अच्छे से क्या सीन चलने वाला है भाई ऊपर। फाइनली यहाँ पर ये जो है बच्चे निकलने वाले भाई, 5 4 3 2 1 एंड लेट्स गो, फटने वाला अंडा भाई, दो दो निकल चुके हैं, एक है हमारा, अरे इसका नाम क्या है रुको, बेबी फायर वेवन है एक, और एक सेकंड की हेल्थ बहुत जल्दी जल्दी जा रही है भाई, इनको इम्प्रिंट करना तो फटाफट से रुको गाइस, हेल्थ कुछ ज़्यादा जल्दी जा रही है भाई और इनको ये फटाफट से मेरे को दूध दूध पिलाना पड़ेगा। वैसे तो मैं ग्रो पेस्ट भी खिला सकता हूँ पर बाकी या आई कैन डू दैट एज वेल, कोई बात नहीं इनको अपन जो जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। अब तो अब हमारे पास आ ही चुके हैं ये लोग, ठीक है और ये लोग इसको पीते रहेंगे आराम आराम से, फूड कम हो रहा है इसका। एक सेकंड खाना भी देना पड़ेगा शायद से, पर इसको ऐसे ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, देखो कैसे अगर मैं तुम लोग चाहते हो मैं इसके लिए 1 घंटा वेट करूँ तो वो मैं नहीं करने वाला हूँ। और एक सेकंड यहाँ पर हमारा लाइटनिंग वेपन भी आ चुका है, ठीक है तो या वैसे तो अपन दूध के साथ भी करवा सकते हैं इनका, लेकिन 1 घंटा लगेगा भाई और इतना वेट मैं नहीं कर सकता, ठीक है। सो या अपन अभी जो है ग्रो पेस्ट यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ 10 बना लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए, लेट्स गो। एंड हमारे यहाँ पर वेपन्स भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होने वाले हैं इसमें, ठीक है इसको यहाँ पर मैं इसके इन्वेंट्री में चाहता हूँ। अरे 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 भाई चिल, और ये एक सेकंड रुक जाओ, पहले इसको ना टेलीपोर्टर खिला देता हूँ, आई मीन ट्रैकर, और इसकी इन्वेंटरी में जाके इसको कर देते हैं बड़ा एकदम, ठीक है ये दे। अरे भाई साहब कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया भाई, रुक जाओ गाइस, करेंगे सब करेंगे टेंशन ना लो भाई लोग, पहले मैं सारा निकाल लेता हूँ। और ये वाला हो गया अपना पॉइजन वेपन, बड़ा हो गया ठीक है। अरे यार सॉल्ट ट्रैप्स नहीं बचे मेरे पास, सॉल्ट के बॉल्स बनाने दो ज़रा, 25 बना लेता हूँ, बन जाएंगी। ओके बन रही है ठीक है, आ जा बेटे, और तू भी रुक जाओ गाइस, लाइटनिंग वेपन को भी अपन यहाँ पे बड़ा करने वाले हैं। लेट्स गो बेबी, हमारा लाइटनिंग वेपन आ चुका है। ओके आर यू गाइस रेडी, क्योंकि अपन करने वाले हैं इन सारे डायनोस की राइडिंग और देखेंगे इनके अटैक पावर्स, ठीक है। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले अपन निकालने वाले हैं हमारा लाइटनिंग वेपन,
इसको खिला देता हूँ ट्रैकर, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं पर बुलाना पड़ सकता है इन सारे डाइनोस को अपने को। फिर निकालते हैं अपन पॉइजन वेवन। ओ भाई साहब क्रेजी कती। और यहाँ पर आ चुका है हमारा फायर वेवन, लेट्स गो। एक सेकेंड, यहाँ फायर वेवन आ चुका है भाई साहब। गाइज लुक एट देम, ये 100 लेवल का है, थोड़ा सा ये ख़राब लगा मेरे को। बाकी 750 का है और ये 225 का है। बढ़िया लेवल के मिले नहीं थे यार अपने को, पर कोई बात नहीं गाइस। ये देखो भाई क्या ही क्रेजी लग रहा है, लेकिन देख रहे हो भाई साहब। ये फायर वाले को ना मैं थोड़ा कलर चेंज करना चाहूँगा, क्योंकि इसका अजीब सा लग रहा है भाई। फायर वाला है तो इसका थोड़ा कलर भी वैसा होना चाहिए ना। रुको, हमारे कलर ब्रश, अरे यार मैंने कलर ब्रश नहीं बनाया, कोई बात नहीं, चलो बना लेता हूँ फटाफट से। और गाइस हमारा इसको येलोइश कर देता हूँ मैं, ठीक है। लेट्स सी येलो में कैसा लगेगा। ये येलो नहीं है, ऑरेंजिश करना पड़ेगा। ओ भाई रेड में भी बढ़िया लगेगा वैसे फायर के नाम पे तो। इसको मैं वाइट कर देता हूँ। 3-4 यो लेट्स गो। ओ भाई साहब एक सेकंड, ये ब्लैक में कैसा लगेगा भाई। क्रेजी तो लग रहा है, कुछ भी बोलो। हाँ क्रेजी तो लग रहा है गाइस। फिफ्थ वाला अगर मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा हल्का सा ऐसे, या फिर भाई क्या ही तगड़ा लग रहा है ये। देख रहे हो रेड कलर में फायर है उनके, क्रेजी लग रहा है। इसके ऊपर राइड करते हैं गाइस। फाइनली अपन की राइडिंग करने वाला है यहाँ पर। एंड थोड़ा वेट का सीन है, तो मैं अपना एक काम करता हूँ, ज़रा अपना किसी और डाइनो को बुला लेता हूँ, किसी पुराने को, अपने फिनिक्स को बुला लेता हूँ। रुको फिनिक्स को बाहर निकाल लेता हूँ ज़रा। फिनिक्स भैया बाहर आ जाओ, और मेरी इन्वेंट्री अपने पास में रख लो ज़रा, ठीक है। थोड़ी देर की बात है, बस थोड़ी देर के बाद। थैंक यू। चलो अभी अपन चलते हैं गाइस, और अपन राइडिंग करने वाले हमारे फायर वेवन की। लेट्स गो भाई साहब। अबे इनकी फ्लाइंग स्पीड 100 पे भी कितनी सही है भाई, 100 लेवल पे भी। ये देख रहे हो गाइस, ओ भाई क्रेजी क्रेजी क्रेजी। राइट क्लिक से क्या करता है, ओ माय गॉड गाइस लुक एट दिस। भाई कितना डैमेज दिया इसने, डैमेज तो दिया नहीं, लेकिन क्या है इसका सीन। जो लेफ्ट क्लिक से क्या करता है, ओके ठीक है, डायरेक्टली मारता है और सी से कैप्चर करता है किसी डायनो वगैरह को, ठीक है। मतलब सिर्फ एक ही एबिलिटी है जो कि ये फायर करने वाली है, ठीक है ओके। और अपन इसको कहीं पे लैंड भी करा सकते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। अभी चलते हैं गाइस, अपन करने वाला है राइडिंग हमारे लाइटनिंग वेवन की। लेट्स गो भाई, लेकिन काफ़ी सही उड़ रहा है भाई, इनकी फ्लाइंग स्पीड बहुत तगड़ी है। एक सेकंड भाई, लाइटनिंग वाला बहुत खतरनाक है ये। देखो इसको पहल के देखता हूँ, पैरासेरा थीरियम को। रुक क्यों, कितना डैमेज देता है ज़रा। एक सेकंड, इसका एमिंग का थोड़ा सीन है। अगर मैं इसको मारता हूँ यहाँ पर, ये देखो एम पता नहीं कहीं और ही कर रहा है यार ये। इसका एम का थोड़ा झाकझुक है भाई, बाकी एवरीथिंग इज़ गुड अबाउट इट। रुको 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 यार, मतलब किसी को मारना होगा ना तो घूम फिर के मारना पड़ेगा भाई, बहुत गलत सीन है ये। ओ भाई एक सेकंड, एक जगह रुक जा, अभी बताता हूँ इसको मैं। किसको मार दिया इसने किसी को भाई, हेलो मेरे को तो पता भी नहीं चला भाई। एक सेकंड गाइस, ज़रा पेल के देखते हैं भाई किसी ने किसी को तो आराम से। भाई डैमेज आई डोंट थिंक सो इतना कुछ खास है डैमेज पर, लाइक हाँ पता नहीं, मेरे को डैमेज कुछ खास नहीं लगा इसका भी भाई। पर या भाई वेवन पकड़ना बहुत टफ था, ठीक है। इसमें लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है, और अभी जा रहे हैं अपन पॉइजन वाले की राइडिंग करने। इसका देखते हैं भाई, ये भी काफ़ी बढ़िया उड़ रहा है उड़ने में, तो भाई बहुत बढ़िया है ये भी। मूवमेंट स्पीड अगर इसकी बढ़ाता हूँ, मिल डैमेज बढ़ाऊंगा ना पॉइंट लगा लगा के, तो बहुत क्रेजी भागेगा भाई ये भी, ठीक है। रुको इस पर अटैक करके देखते हैं कैसे करेगा भाई। इसको डैमेज देखो, पॉइजन वेवन खतरनाक है भाई, ये ज़्यादा बढ़िया है भाई पॉइजन वेवन तो एकदम। हाँ वैसे हायर लेवल भी है ये भी बोल सकते हो तुम लोग, क्योंकि हायर लेवल है तो अच्छा खासा डैमेज देगा ये ऑफकोर्स। देखो भाई 1500 का डैमेज भाई साहब, मार तो गलत रहा है, लेकिन भाई मार तो गलत रहा है ये। ओ भाई साहब लूट कैसे करता है ये, देखना तो लूट वूट का क्या सीन है इसका। यार ये पूरा घूमने में लेकिन सारा टाइम निकाल देता है भाई। ओके रो मीट निकालता और हाइट निकालता, प्राइम मीट बहुत कम निकालता है, ठीक है दैट इज़ ओके। पर भाई कुछ भी बोलो भाई, क्या ही क्रेजी लग रहा है, देख रहे हो क्या जो अपन लोगों ने हमारे इस मैप के स्टार्टिंग के पहले एपिसोड के इंट्रो में डाला था, वो वाले डाइनोस हमारे पास में फाइनली गाइस आ चुके हैं। एंड ये मुझे साला रुकता क्यों नहीं जगह पे, रुक जा भाई डर जा एक जगह पे भाई, चिल कर। लेकिन गाइस कुछ भी बोलो भाई, ये देखो गाइस क्या ही क्रेजी लग रहे हैं, देख रहे हो क्या, देखने में भी ये थोड़े अलग अलग है ना सारे के सारे। यहाँ इसका ये थोड़ा अलग दिखता है, एक सेकंड गाइस सारे डाइनोज अलग अलग दिखते हैं भाई। फायर वाला अलग दिखता है,
ये थोड़ा ड्रैगन टाइप का दिखता है ये, और पॉइजन वाला अलग दिखता है भाई। ये ले ओ भाई, कितनी बड़ी बड़ी पूंछ है इनकी। ओह माय गॉड, ये देखो ये तो अपन लोगों ने डाला था स्टार्टिंग के इंट्रो में, ठीक है, क्योंकि मेरे को याद है ये इसके जो इस तरह से इसका मुंह है ना भाई, ये एकदम ऐसे हिलाता हिलाता करता है जो भी काम। आई मीन थूक फैक्टर। एंड गाइस यार, आज के इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। आई रियली होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। अगर मजा आता तो नीचे लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब बटन, चैनल को मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।